नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित एजुकेशन में। में क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 यानी कि उपसह संयोजक यौगिक के जितने भी लेक्चर थे उन सभी को ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को खोजने में कोई समस्या ना हो। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से आप सभी टॉपिक जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो डेली मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे उपसहसंयोजक रसायन के बारे में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं उपसहसंयोजक रसायन। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है हम लोग उपसहसंयोजक यौगिकों का जो है अध्ययन करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो हम लोग उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग उपसहसंयोजक रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्वी शब्द आया है उपसहसंयोजक, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक जो है ये प्रकृति में पाए जाते हैं और जैविक क्रियाविधि में जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जितने भी उपसहसंयोजक यौगिक हैं वो सभी जो है जैविक क्रियाविधि में जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग उदाहरण की बात करें यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं और उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन का उपसहसंयोजक होता है। याद रखिएगा, बता सकते हैं कि रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का उपसहसंयोजक है। यह जो है श्वसन नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि श्वसन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि धातु निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त उत्प्रेरक अभिकर्मक भी जो है उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। यानी कि जितने भी उत्प्रेरक या फिर अभिकर्मक यूज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उपसहसंयोजक होते हैं। इसलिए जितने भी उपसहसंयोजक यौगिक हैं इन सभी का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक के बारे में। आप इसे योगात्मक यौगिक या फिर आप बोल सकते हैं आण्विक यौगिक। याद रखिएगा, योगात्मक यौगिक या फिर आण्विक यौगिक। तो यहाँ पर जो है योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जब किसी विलयन में जो है दो या फिर दो से अधिक लवण जो है साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि जब किसी विलयन में जो है दो या फिर दो से अधिक लवण जो है वो साधारण आणविक अनुपात में जो है संयुक्त होते हैं, तब जो है नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो जो नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग योगात्मक यौगिक या फिर आण्विक यौगिक कहते हैं। ये आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप बता सकते हैं द्विक लवण। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं संकुल या फिर उपसहसंयोजक यौगिक। याद रखिएगा, संकुल या फिर आप बता सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। यानी कि जो योगात्मक यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण और दूसरा संकुल। यहाँ पर याद रखिएगा, संकुल या फिर उपसहसंयोजक यौगिक। तो अगर यहाँ पर हम लोग द्विक लवण की बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, वे ठोस यौगिक जो जल में घुलने पर जो है अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में जो है अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें हम लोग द्विक लवण बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आप पोटाश एलम यानी कि फिटकरी जो है एक द्विक लवण है, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो फिटकरी है ये एक द्विक लवण है, क्योंकि आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर जो है अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात जो है विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें हम लोग द्विक लवण कहते हैं। इसके अलावा संकुल या फिर उपसहसंयोजक यौगिक, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि वे यौगिक जो जल में या फिर अन्य किसी विलायक में घुलने पर जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ये जो है यहाँ पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लेकिन ये जो है आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। इनके गुण जो है पूर्णतया अवयवों के गुणों से अलग होते हैं, यानी कि उनसे भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आपको किस प्रकार से लिखना है।
तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि योगात्मक यौगिक या फिर आण्विक यौगिक। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जब किसी विलयन में दो या दो से अधिक लवण जो है वो साधारण आण्विक अनुपात में, याद रखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट कि साधारण आण्विक अनुपात में जो है संयुक्त होते हैं, तब जो है नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये यौगिक जो है योगात्मक या फिर आण्विक यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है, बस आपको यही पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक लवण जो है साधारण आण्विक अनुपात में संयुक्त होते हैं तो वहां पर जो है नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग योगात्मक यौगिक या फिर आण्विक यौगिक बोलते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, योगात्मक यौगिकों को जो है दो भागों में यानी कि दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला आपको बताया गया अभी दिक् लवण, इसके बारे में आपको बताया गया कि वे ठोस यौगिक जो जल में घुलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में जो है अपनी पहचान खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं जैसे कि पोटाश एलम, याद रखिएगा पोटाश एलम, या फिर इसे बोलते हैं फिटकरी, इससे आप लोग याद रखिएगा। इसका सूत्र ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2, इसके बाद SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो ये जो है यहाँ पर पोटाश एलम यानी कि फिटकरी का सूत्र है। तो ये यहाँ पर जो है एक द्विक लवण है, द्विक लवण के बारे में आपको बता दिया गया है कि ये जो है घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं। घटक आयनों में वियोजित होने का मतलब यहाँ पर जो पोटाश एलम है इसमें ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर पोटेशियम यानी कि के दिया गया है, तो ये जो है K+, इसके अलावा जो है Al ध्यान दीजिए यहाँ पर 3+, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए जो SO4 दिया गया है SO4 2-, इस प्रकार जो है यहाँ पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाता है इस प्रकार से। तो ये जो यहाँ पर पोटाश एलम है ये K+, इसके अलावा Al3+, SO4 2- आयनों में जो है वियोजित हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। यही आपको बताया गया कि द्विक लवण जो है अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं और विलयन में जो है अपनी पहचान खो देते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक, इसके बारे में आपको बताया गया कि वे यौगिक जो जल या फिर अन्य किसी विलायक में घुलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, जैसे कि द्विक लवण थे वे अपने आयनों में जो है वियोजित हो जाते थे, लेकिन ये जो है अपने अवयवी आयनों में जो है वियोजित नहीं होते हैं तथा इनके गुण जो है वो पूर्णतः अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर K4, इसमें लिखेंगे आप K4Fe CN का होल 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे आप बोल सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसके बारे में बताया गया कि ये जो है अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर ये जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है K+, इसके अलावा Fe++, इसके अलावा जो है CN-, इनमें जो है वियोजित नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो है K+, इसके अलावा Fe++ CN-, इसमें जो है वियोजित नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है वियोजित नहीं होगी। इसके अलावा जो है इसका वियोजन इसमें किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए इसका वियोजन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि K+, इसके अलावा Fe CN का होल 6 यहाँ पर लिखेंगे और 4-, इस प्रकार से ध्यान दीजिए इसका वियोजन जो है इस प्रकार से होता है, बल्कि ये यहाँ पर जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होगी, इसलिए इसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक या फिर संकुल यौगिक, क्योंकि इसके बारे में आपको बताया गया कि ये जो है किसी विलायक में या फिर जल में घोलने पर जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होती, ये इसके अवयवी आयन है, इसमें ये वियोजित नहीं होगी, लेकिन इसका वियोजन किसमें होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही बताया गया था कि ये जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं और इनके गुण जो होते हैं वो पूर्णतः अवयवों के गुणों से भिन्न यानी कि अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। इसी प्रकार आप दूसरा आप बताना चाहें तो इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर CuNH3 का होल 4 यहाँ पर हो जाएगा 2+, ये भी यहाँ पर जो है एक उपसहसंयोजक यानी कि संकुल यौगिक होगा।
इसके बाद उप सह संयोजक संकुलों के प्रकार, यानी कि जो आपको अभी उप सह संयोजक संकुल बताए गए, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए कि ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ऋणायनिक संकुल, इसके अलावा दूसरा होता है धनायनिक संकुल, धनायनिक संकुल, इसके अलावा तीसरा होता है उदासीन संकुल, उदासीन संकुल। तो उप सह संयोजक संकुल जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणायनिक, दूसरा धनायनिक और तीसरा उदासीन। तो ऋणायनिक संकुल में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं K3, इसके अलावा Fe, C2, O4 का होल थ्राइस, जैसे कि इसके बारे में अभी आपको बताया गया था कि ये जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका वियोजन किस प्रकार से होगा, इसका वियोजन यहाँ पर होगा K+, यहाँ पर हो जाएगा 3 क्योंकि 3 थे, इसके अलावा प्लस यहाँ पर होगा Fe C2O4 का होल थ्राइस, यहाँ पर हो जाएगा 3-। तो यहाँ पर इसका वियोजन जो है इस प्रकार से होता है, इससे हम लोग बोलते हैं ऋणायनिक संकुल। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पोटेशियम फेरो ऑक्सलेट, याद रखिएगा पोटेशियम फेरो ऑक्सलेट, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए धनायनिक संकुल, इसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर CO Cl2, CO Cl2, इसके अलावा En का होल ट्वाइस, इस प्रकार से लिखेंगे Cl। इसका वियोजन जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जब वियोजन करेंगे तो ये हो जाएगा CO Cl2, इसके अलावा En का होल ट्वाइस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और प्लस Cl-, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका वियोजन करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम बता सकते हैं आप डाइक्लोरो, आप लिखेंगे इसमें डाई क्लोरो पाइस, यहाँ पर हो जाएगा Ethane 1, इसके अलावा 2-डाइएमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड CH, यहाँ पर ये H है, इसके बाद LOR-IDE क्लोराइड। तो ये यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं और ये यहाँ पर इसका वियोजन हो जाएगा, इससे हम लोग बोलते हैं धनायनिक संकुल। इसके बाद ध्यान दीजिए उदासीन संकुल, इसके बारे में आप बता सकते हैं उदासीन संकुल में NiCO का होल 4, इस प्रकार से बता सकते हैं, इसमें ना धनायन होते हैं ना ही ऋणायन होते हैं, ये उदासीन होता है। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं FeCO का होल 5, इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं निकिल कार्बोनिल, इससे आप बता सकते हैं निकिल कार्बोनिल। इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया है आयरन पेंटा कार्बोनिल, इसे बोलते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि लिगेंड क्या होता है। तो इसके लिए पहले आप एक एग्जांपल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया गया है K4, इसके बाद FeCN का होल 6, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है इससे बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, याद रखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है आपको केंद्रीय परमाणु, इससे आप यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु। और ये यहाँ पर जो दिया गया है, ये इस केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो ये जो है इससे यहाँ पर यानी कि केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। तो ये यहाँ पर कहलाता है लिगेंड, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं L से, ये क्या कहलाएगा लिगेंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु, अणु या फिर आयन जिसमें जो है केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है लिगेंड कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी परमाणु, अणु या फिर आयन जिसमें जो है केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। इसके अलावा अगर लिगेंड के प्रकार की बात करें तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर
आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दूसरा ऋणायन और तीसरा उदासीन। याद रखिएगा, आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दूसरा ऋणायन और तीसरा उदासीन। धनायन आप लोग याद रखिएगा, जिनके पास देने के लिए जो है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो वो क्या कहलाते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, धनायन, ऋणायन और इसके अलावा उदासीन। यानी कि ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश होगा उन्हें हम लोग धनायन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है को NO2, तो इस पर जो आवेश होता है प्लस होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर धनायन लिगेंड है। इसके अलावा अगर ऋणायन की बात करें तो जैसे आपको दिया गया है मान लीजिए CN-, तो ये यहाँ पर जो है इस पर माइनस आवेश है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है ऋणायन लिगेंड है, यहाँ पर है CN-, इसे हम लोग बोलते हैं साइनो। याद रखिए कि इसे बोला जाता है साइनो, ये यहाँ पर जो है ऋणायन लिगेंड है। अगर उदासीन की बात करें तो ये होता है H2O, इसे हम लोग बोलते हैं एक्वा। याद रखिए इसे बोला जाता है एक्वा, ये यहाँ पर जो है उदासीन अणु होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये आवेश के आधार पर है। अगर हम लोग संयोजकता के आधार पर बात करें, संयोजकता के आधार पर लिगेंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, संयोजकता के आधार पर लिगेंड जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पहला आप बता सकते हैं एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड इस प्रकार से। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं द्विदंती लिगेंड। इसके अलावा तीसरा होता है बहुदंती लिगेंड। इसके अलावा चौथा होता है कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड। इसके अलावा पांचवा होता है उभयदंती। याद रखिएगा, उभयदंती लिगेंड। तो याद रखना है आपको कि आवेश के आधार पर जो है तीन प्रकार के होते हैं लिगेंड, और संयोजकता के आधार पर जो है पांच प्रकार के होते हैं, यानी कि एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, इसके अलावा बहुदंती लिगेंड, इसके अलावा कीलेट लिगेंड और उभयदंती लिगेंड। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक दंती लिगेंड की बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, याद रखिएगा जिनके पास जो है केवल एक दाता परमाणु होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक दंती लिगेंड। याद रखिएगा कि वे लिगेंड जिनके पास जो है केवल एक दाता परमाणु होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक दंती लिगेंड। इसके अलावा अगर हम लोग द्विदंती लिगेंड की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि वे लिगेंड जिनके पास जो है दो दाता परमाणु होते हैं, जिनके पास जो है दो दाता परमाणु होते हैं, वे जो है दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है धातु आयन को प्रदान करते हैं, वो जो है द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बहुदंती लिगेंड की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि वे लिगेंड जिनके पास जो है दो या फिर दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो है संलग्न होते हैं, यानी कि उससे जुड़े होते हैं, तो वो जो है बहुदंती यहाँ पर लिगेंड कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कीलेट लिगेंड की बात करें तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो बहुदंती लिगेंड है जब केंद्रीय धातु आयन से दो या फिर दो से अधिक दाता परमाणु द्वारा जुड़ते हैं तो जो है एक चक्रीय वलय बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कीलेट, तथा लिगेंड जो है वो कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। इसके अलावा अगर उभयदंती लिगेंड की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं कि वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय यह केवल जो है एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो आप इन सभी के बारे में बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आपको लिखना किस प्रकार से है, तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिगेंड के बारे में लिखा गया है कि कोई भी परमाणु, या फिर आप इसके बारे में बता सकते हैं अणु, परमाणु या अणु, या फिर आयन, जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है लिगेंड कहलाता है। इसके अलावा आवेश के आधार पर लिगेंड जो है ऋणायन, उदासीन अणु अथवा धनायन हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऋणायन लिगेंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं,
ऋणायन लिगेंड। तो ऋणायन लिगेंड में आप बता सकते हैं इसमें सी एन माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं साइनो, याद रखेगा इससे बोला जाता है साइनो। इसके अलावा एन ओ टू माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रो, इससे बोला जाता है नाइट्रो। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग उदासीन अणु की बात करें, उदासीन अणु, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं H2O। इसके अलावा NH3, इसे बोलते हैं एक्वा, और इसे बोलते हैं एमीन। इसके अलावा ध्यान दीजिए धनायन लिगेंड, धनायन लिगेंड, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं NO2+, इसके अलावा NO+, इसके अलावा NH4+, तो ये सब जो है धनायन लिगेंड होंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लिगेंड के प्रकार। सबसे पहले एक दंती लिगेंड, इसके बारे में आपको बताया गया कि वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु, ये आपको ध्यान रखना है, जिनके पास जो है केवल एक दाता परमाणु होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप बता सकते हैं F-, इसके अलावा Cl-, इसके अलावा Br-, इसके अलावा I-, Cn-, NH3, इसके अलावा H2O, इसके अलावा OH-, आदि। ये जितने भी लिगेंड हैं ये सभी एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है एक दाता परमाणु होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को कर सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है द्विदंती लिगेंड। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया कि वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परमाणु होते हैं वो दो दाता परमाणु होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है धातु आयन को प्रदान करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि इसके बारे में आप बता सकते हैं एथिलीन डाइएमीन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका उदाहरण में बता सकते हैं एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। इसके अलावा ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन आदि, तो ये जो है द्विदंती लिगैंड कहलाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए बहुदंती लिगैंड, इसके बारे में बताया गया कि वे लिगैंड जिनके पास दो या दो से अधिक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु में संलग्न होते हैं, याद रखिएगा दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु में संलग्न होते हैं, यानी कि उससे जुड़े होते हैं, बहुदंती यौगिक कहलाते हैं। अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं उदाहरण में एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन टेट्राएसीटेट, टेट्रा एसीटेट आयन, ये जो है यहाँ पर खष्ट दंती लिगेंड है, याद रखिएगा यहाँ पर जो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट दिया गया है आपको, ये जो है खष्ट दंती लिगेंड होता है। अगर यहाँ पर इसका हम लोग सूत्र लिखें तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है एथिलीन, तो एथिलीन के लिए हम लोग लिखते हैं CH2, यहाँ पर बीच में होता है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए डाइएमीन दिया गया, तो डाई के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों तरफ एक एक बॉन्ड लगाएंगे, और यहाँ पर लिखना है आपको NH2, यहाँ पर क्या लिखना है NH2, NH2, लेकिन यहाँ पर NH2 ना लेके हम लोग लिखेंगे N, इस प्रकार से बाकी का जो H2 है वो यहाँ पर एसीटेट में बदला जाएगा। तो इसके लिए इसे आप इस प्रकार लिख दीजिए CH2COO-, इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है CH2COO-, इतना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे लिखेंगे आप C, यहाँ पर हो जाएगा H2COO-, इसी प्रकार यहाँ पर CH2COO-,
माइनस। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो है एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेट आयन है, और इसके बारे में बताया गया कि ये जो है खष्ट दंती लिगैंड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित होगा, एक यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो दो, दो चार और दो छः, इसीलिए इसे बोलते हैं खष्ट दंती लिगैंड, यानी कि एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेट आयन जो है ये खष्ट दंती लिगैंड है। आप बता सकते हैं कि यह खष्ट दंती लिगैंड है, लिगैंड है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, कीलेट लिगैंड, इसके बारे में बताया गया कि बहुदंती लिगैंड जब केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो बहुदंती लिगैंड है, जब ये केंद्रीय धातु आयन से जो है दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ते हैं, तब एक चक्रीय वलय बनता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं, यानी कि उसे कीलेट कहते हैं। तथा जो लिगैंड है वो क्या कहलाता है, कीलेट लिगैंड कहलाता है। तो अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं ऑक्सलेट, इसके उदाहरण में आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑक्सलेट। इसके अलावा भी आप बता सकते हैं एथिलीन 1,2-डाईअमीन, डाईअमीन। तो ये यहाँ पर जो है कीलेट लिगैंड है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, उभयदंती लिगैंड, इसके बारे में आपको बताया गया कि वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय यह जो है केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं। यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय यह केवल जो है एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं NO2-, इसके अलावा ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं ONO-, वही चीज़ है, इसे इस प्रकार से लिखा गया है। इसके अलावा आप बता सकते हैं CN-, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं NC-, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा लिखा है NO2-, तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, याद रखिएगा, इससे बोला जाएगा नाइट्रो। अगर ऐसा लिखा है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो, याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं नाई ट्राइटो। इसके अलावा CN-, इससे बोलते हैं साइनो, ये हो जाएगा साइनो। इसके अलावा अगर ऐसा लिखा है तो इससे हम लोग बोलते हैं आइसो साइनो, इससे बोला जाता है आइसो साइनो। तो ये जो है उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले आप उदाहरण ध्यान दीजिए, जब आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है CO NH3, इस प्रकार से यहाँ पर होल सिक्स इतना लिया गया है, और यहाँ पर बाहर दिया गया है Cl3, इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो भाग दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, इसमें ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है, इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु। और जो ये होता है इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, याद रखिएगा, इसे बोला जाता है लिगैंड। और जो आपका ये CO दिया गया है, ये यहाँ पर होता है केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है, ये यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और जो यहाँ पर लिगैंड होता है, ये यहाँ पर केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है दाता परमाणु है, याद रखिएगा, लिगैंड जो है इसे आप दाता परमाणु बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है NH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो इसे हम लोग दाता परमाणु कहते हैं। तो किसी भी धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है, उसी संख्या को ही हम लोग उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि दाता परमाणुओं की संख्या जो है वो उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए NH3, ये दाता परमाणु है, इसकी संख्या कितनी है, छः, यानी कि यहाँ पर जो ये CO, यानी कि जो केंद्रीय परमाणु दिया गया है, इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, छः होगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि CO की
उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या बता सकते हैं कितनी होगी? 6 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है CO के साथ जो NH3 जुड़े हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि 6 NH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इतना आप याद रखिएगा कि धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणु होते हैं उन्हीं की संख्या जो है वो उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या जो है वो उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्यों 6 होगी? क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है यानी कि जो दाता परमाणु है इनकी संख्या कितनी है? 6 है, इसलिए यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु की आक्षीकरण संख्या। इसके लिए पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक शंकुल दिया गया है। शंकुल ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है संकुल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए Cu, इसके बाद यहाँ पर NH3 का होल 4 इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर SO4 इतना दिया गया है। इसके बारे में आपको बता दिया गया कि ये केंद्रीय परमाणु है और ये यहाँ पर जो है लिगेंड है। तो यहाँ पर जो लिगेंड दिया गया है इनको यहाँ पर जो है इसके द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसके द्वारा साझा किए गए जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनको हटा लिया जाए, और उसके बाद जो है इस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो उसकी आक्षीकरण संख्या कहलाती है। याद रखिएगा यहाँ पर ये पूरा शंकुल दिया गया था आपको। तो एक शंकुल में जो केंद्रीय परमाणु होता है, इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंडों, जैसे कि यहाँ पर ये जितने लिगेंड हैं याद रखिएगा, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों से हटा लिया जाए, याद रखिएगा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित पूरा पूरा हटा लिया जाए, तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश जो है उसकी आक्षीकरण संख्या कहलाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर Cu है तो इस पर उपस्थित आवेश की संख्या कितनी होगी? +2। तो यही जो है यहाँ पर इसकी आक्षीकरण संख्या हो जाएगी, क्योंकि यही आपको यहाँ पर बताया गया कि एक संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है इससे जुड़े हुए सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों से हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर जो है उपस्थित आवेश को उसकी आक्षीकरण संख्या कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर की जो आक्षीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? +2 होगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी आक्षीकरण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकर। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, पहले आप इसका उदाहरण ध्यान दीजिए। जैसे कि होमोलेप्टिक है तो इसके लिए आप उदाहरण ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद NH3 का होल 6 इस प्रकार से है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर लगा हुआ है +3 इस प्रकार से दिया गया है। तो शंकर में जो धातु परमाणु होगा, याद रखिएगा इस शंकर में यहाँ पर जो धातु परमाणु होगा वो केवल एक प्रकार के दाता समूह, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार के लिगेंड से जो है जुड़ा होगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये NH3 ये क्या है? लिगेंड है, यानी कि दाता परमाणु समूह है। तो यहाँ पर जो भी आपका परमाणु होगा यानी कि जो धातु परमाणु होगा वो केवल जो है एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होगा। तो अगर कोई परमाणु यहाँ पर एक प्रकार के दाता समूह से या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक शंकर। याद रखिएगा उसे क्या बोला जाता है? होमोलेप्टिक शंकर। यहाँ पर जो धातु परमाणु होता है वो केवल जो है एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक शंकर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि होमोलेप्टिक शंकर में धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर है हेट्रोलेप्टिक संकर। इसके लिए आप उदाहरण ध्यान दीजिए पहले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद है NH3 का होल 5, इसके बाद है SO4 इस प्रकार से दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है दो प्रकार के दाता समूह हैं, एक NH3 है और दूसरा SO4 है, यानी कि दो प्रकार के लिगेंड दिए गए हैं।
तो यहाँ पर शंकर में जो धातु परमाणु जो है वो एक से अधिक प्रकार के अगर दाता समूहों से जुड़ा होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकर। याद रखिएगा, फिर उसे क्या बोला जाता है? हेट्रोलेप्टिक संकर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि हेट्रोलेप्टिक संकर में धातु परमाणु जो है वो एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है, यानी कि एक से अधिक लिगंडों से जुड़ा होता है, उससे हम लोग हेट्रोलेप्टिक संकर कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, संकुल आयन पर आवेश। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है वो केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। याद रखिएगा कि किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है वो केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, वर्नर का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके लिए आप पहले ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जैसे कि मान लीजिए CO यहाँ पर हो जाएगा NH3 का होल 6, इस प्रकार से इतना होगा, और यहाँ पर Cl3, तो इसमें ये आपका केंद्रीय परमाणु है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, केंद्रीय परमाणु, ये आपका दाता परमाणु, या फिर आप बोल सकते हैं लिगैंड, तो ये हो जाएगा लिगैंड। तो यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु है। अगर इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखें तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु है, बीच में रहेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, NH3 यहाँ पर होल 6 लगा है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 छः, इस प्रकार से यहाँ पर 6 एमीन आपको जोड़ देना है, NH3, 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 यहाँ पर भी NH3, और यहाँ पर हो जाएगा NH3। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये 6 एमीन जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 क्लोराइड हैं, इन क्लोराइडों को हम लोग इस प्रकार डॉट डॉट चिन्ह के द्वारा ध्यान दीजिए Cl, दूसरा यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं Cl, इसी प्रकार यहाँ पर एक जोड़ देते हैं Cl। बाकी आप कहीं भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 प्रकार की संयोजकताएं इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। तो वर्नर ने यही बताया है कि जो संकुल होते हैं, संकुल में जो धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की जो है संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। पहली संयोजकता यहाँ पर ध्यान दीजिए डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित की गई, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो एक सतत रेखा के रूप में दिया गया पूरा पूरा, इससे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो संकुलों में धातुएं हैं वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, एक होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी यहाँ पर होती है द्वितीयक संयोजकता। तो इतना आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये ऋणायनों द्वारा जो है संतुष्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है ये यहाँ पर ऋणायन होता है Cl-Cl-Cl-, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है Cl-Cl-Cl-, तो ये आपकी प्राथमिक संयोजकता है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक संयोजकता जो है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये विलयन में जो है आयनित हो जाती हैं, यानी कि अगर इनको हम लोग विलयन में घोल देंगे तो घोलने पर जो है ये टूट जाते हैं, यानी कि आयनित हो जाते हैं, अर्थात इनका आयनन जो है हो जाता है, यानी कि ये बंध जो होता है वो कमजोर होता है यहाँ पर, इसलिए ये आयनित हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें याद रखिएगा कि इनको जो है बिंदु द्वारा, यानी कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए डॉट डॉट करके प्रदर्शित किया गया, तो ये भी आप बता सकते हैं कि इनको जो है बिंदुदार रेखा द्वारा जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जो जुड़े आयन होते हैं इनको हम लोग बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक दिया गया आपको, इस बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा गया है इसको, तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को जो है हम लोग बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें यौगिकों की जो ज्यामिति या संरचना होती है इसका निर्धारण नहीं होता है, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो ये सतत रेखा के रूप में खींचे गए हैं ये द्वितीयक संयोजकता दर्शाते हैं, तो ये जो है ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा जो है संतुष्ट हो सकती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है
ऋणायनों, धनायनों, इसके अलावा उदासीन अणुओं के द्वारा जो है संतुष्ट हो सकती हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो द्वितीयक संयोजकता है इनकी संख्या निश्चित होती है, जिसे हम लोग उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। ये याद रखिएगा, जैसा कि अभी आपको बताया गया था उपसह संयोजन संख्या में, तो इनकी संख्या जो है हमेशा निश्चित होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि द्वितीयक संयोजकता जो है वो प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा जो है प्रबल बंध बनाती है, क्योंकि ये बंध जो है टूट जाता है लेकिन ये बंध जो है टूटता नहीं है, तो ये जो है प्रबल बंध बनाती हैं, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो है आयनित नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है ये दिशात्मक होती हैं, यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता है ये दिशात्मक होती है, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता है वो दिशाहीन होती है। याद रखिएगा, प्राथमिक संयोजकता जो है दिशाहीन होती है और जो द्वितीयक संयोजकता है ये दिशात्मक होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि संकुलों में जो धातुएं हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, जिसमें पहली है प्राथमिक संयोजकता, यह जो है दिशाहीन तथा आयनित होती है, और यह जो है प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता, इसके बारे में आप बताएंगे कि यह जो है दिशात्मक तथा अन आयनित होती है, यानी कि ये टूटती नहीं है, प्रबल बंध बनाती है। यह धातु से जुड़े लिगेंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें कि सिग्मा बंध बनाने के लिए जो है धातु के रिक्त शंकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ जो है अतिव्यापन करते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वर्नर का सिद्धांत लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम, या फिर आप बोल सकते हैं प्रभावी परमाणु संख्या, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता, याद रखिएगा एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में जो है धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए, वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। याद रखिएगा एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए, तो वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की आयुपीएसी पद्धति, यानी कि उपसह संयोजक यौगिकों का नाम जो है आयुपीएसी पद्धति में किस प्रकार से लिखना है, यही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जैसे कि पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक लिया गया है, ध्यान दीजिए उपसह संयोजक यौगिक लिया गया है एफ ई, इसके बाद दिया गया है एच टू ओ यहाँ पर होल सिक्स इस प्रकार से है, और ये जितना दिया गया है ये बड़े ब्रैकेट में दिया गया है, और इसके बाहर आपको यहाँ पर दिया गया है सी एल थ्री, एक यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं, दूसरा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है के फोर, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है एफ ई, यहाँ पर हो जाएगा सी एन का होल सिक्स। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये उपसह संयोजक यौगिक लिए गए हैं, इनका आयुपीएसी नाम किस प्रकार से लिखना है, इसके लिए पहले आपको मुख्य पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर दो भाग दिए गए हैं, एक ये है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और एक ये है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करता है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, इससे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, और जो देता है उसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड, याद रखिएगा इससे बोला जाता है लिगेंड। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिया गया है ये ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे केंद्रीय परमाणु, ये यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, और ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे लिगेंड। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि इसमें से कौन सा केंद्रीय परमाणु है और इसके बाद कौन सा इसमें लिगेंड है, सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी है। तो
तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे हम लोग केंद्रीय परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। इसके अलावा लोग याद रखिएगा कि ग्रहण करने वाला एक ही होता है, यानी कि इसमें जो ग्रहण करने वाला है वो केवल एक ही होगा, यानी कि केंद्रीय परमाणु केवल एक ही होगा, लेकिन जो देने वाला है वो एक से अधिक भी हो सकता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, केंद्रीय परमाणु हमेशा एक ही होगा, लेकिन लिगेंड जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो लेने वाला है वो लगभग डी ब्लॉक का तत्व होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें जो है एक खाली स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर जो लेने वाला होता है वो अक्सर डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो देने वाला होता है उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एकाकी युग्म जो है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए ये यहाँ पर देने की क्षमता रखता है। तो देने की क्षमता रखता है इसलिए लिगैंड है, और यहाँ पर ये ग्रहण करता है इसलिए केंद्रीय परमाणु है। इसके अलावा लिगैंड जो है एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु जो है वो केवल एक ही होगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको इसमें पहचान करनी है कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उस पर कौन सा आवेश है, और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है उस पर कौन सा आवेश है। सबसे पहले तो आपको इसी की पहचान करनी है। तो अब जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर Cl दिया गया है बाहर, तो इसके बारे में आपको पहले से पता होगा कि Cl जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि इस पर एक माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर Cl कितने दिए गए हैं, 3, तो इसका मतलब इस पर आवेश कितना होगा, -3। इस प्रकार से तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है, यानी कि +3 की, तो इसका मतलब इस कोष्टक पर कितना आवेश होगा, +3। इस प्रकार से आप पहचानेंगे। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें जो पोटेशियम दिया गया है तो पोटेशियम जो होता है वो धन आवेश होता है इस पर, यानी कि प्लस आवेश होता है। पोटेशियम पर जो है एक प्लस आवेश होता है, और यहाँ पर आपको कितने पोटेशियम दिए गए, यहाँ पर आपको 4 पोटेशियम दिए गए, यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, +4। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है, -4 की, यानी कि इस पर जो है -4 आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये यहाँ पर धनायन है, और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया ये ऋणायन है। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर है वो धनायन है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो ऋणायन है। तो सबसे पहला रूल तो यही है IUPAC लिखने का कि जो भी यहाँ पर आपको उपसहसंयोजक यौगिक दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है। ये आप लोग याद रखेगा कि सबसे पहले जो है हम लोग इसमें धनायन का नाम लिखेंगे, और इसके बाद जो है इसमें आपको ऋणायन का नाम लिखना है। यही नियम दोनों कंडीशन में लागू होगा, यानी कि बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस हो या फिर माइनस आवेश हो, दोनों में सबसे पहले धनायन का ही नाम लिखना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमेशा आपको धनायन और उसके बाद जो है ऋणायन का नाम इसमें प्रयोग करना है। और आप धनायन और ऋणायन किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो कोष्टक के बाहर दिया गया है आपको उस पर आवेश देखना है कि कितना आवेश है। अगर उस पर माइनस है तो जितना माइनस आवेश होगा उतना ही जो है कोष्टक के ऊपर प्लस आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको माइनस और प्लस किस प्रकार से, यानी कि धनायन और ऋणायन किस प्रकार से पहचानेंगे, वो आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से पहचानना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बाहर दिया गया है उस पर देखना है कि कौन सा आवेश है, और उसको बैलेंस करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होगी वही इस कोष्ठक के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप धनायन और ऋणायन की पहचान करेंगे। उसके बाद IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको जो है ऋणायन का नाम लिखना है। यही दोनों कंडीशन में होगा, यानी कि इसमें भी यहाँ पर सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है, और इस धनायन के नाम के बाद ही आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर गुरु कोष्ठक के अंदर, यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो ध्यान दीजिए इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है आपका, धनायन। धनायन यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर है, और इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, ऋणायन है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग होगी। अगर धनायन यहाँ पर बड़े कोष्ठक में है तो इसका नियम अलग है, और अगर ऋणायन बड़े कोष्ठक के अंदर है तो इसका नियम फिर अलग है। इसलिए इन दोनों के नियम को आप लोग अलग अलग ध्यानपूर्वक याद करिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए धनायन जो है यहाँ पर बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है, तो अगर ये बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है लिगेंड का नाम। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है लिगेंड का नाम, वो भी संख्या सहित। ये भी याद रखिएगा, लिगेंड का नाम जो है संख्या सहित लिखना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे आप लिगेंड का नाम संख्या सहित, सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है संख्या सहित। उसके बाद आपको इसमें लिखना है केंद्रीय परमाणु का नाम,
याद रखिएगा, केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु का जो नाम लिखना है उसके साथ हम लोग ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। याद रखिएगा, इसके साथ जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है, और उसके बाद जो है हम लोग फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको लिखना है ऋणायन का नाम। तो इस प्रकार से याद रखेगा कि अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है धनायन दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या सहित, उसके बाद फिर हम लोग ऋणायन का नाम लिखते हैं, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इसका नाम लिखा जाएगा। और अगर ये कंडीशन लागू है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, धनायन बाहर है और ऋणायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो अगर ये कंडीशन दी गई है तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धनायन। यहाँ पर सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है? धनायन का नाम लिखना है, लेकिन इसकी संख्या नहीं बतानी है। याद रखिएगा, धनायन का नाम लिखना है लेकिन आपको यहाँ पर संख्या नहीं लिखनी है, ये याद रखिएगा। धनायन का केवल नाम लिखना है, इसकी संख्या आपको बतानी नहीं है। इसके बाद जो गुरु कोष्ठक यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वहां पर पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम आपको लिखना है संख्या सहित, याद रखिएगा, लिगेंड का नाम जो है लिखना है आपको संख्या सहित। और इसके बाद जो हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु जो भी लिखा जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी जाएगी। और यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा इसका नाम फिर बदल दिया जाएगा, यहाँ पर इसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अगर ऋणायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा उसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। नाम किस प्रकार से बदला जाएगा ये भी आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन आपको दोनों के नियम याद रखने हैं। अगर धनायन बड़े ब्रैकेट में दिया गया तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है संख्या सहित, इसके बाद केंद्रीय परमाणु यानी कि ऑक्सीकरण संख्या सहित लिखना है, और यहाँ पर फिर ऋणायन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऋणायन का नाम लिखा जाएगा इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऋणायन का नाम लिखेंगे इसमें भी आपको संख्या नहीं बतानी है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि संख्या जो है इसमें आपको नहीं बतानी है, केवल उसका नाम ही लिखना है। जैसे कि इसमें आपको बताया गया कि धनायन का केवल नाम लिखना है बल्कि उसकी संख्या नहीं बतानी है। उसके बाद जो ऋणायन दिया गया आपको बड़े ब्रैकेट में उसमें सबसे पहले आप लिगाइंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम होगा ऑक्सीकरण संख्या सहित, लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है वो नाम यहाँ पर बदल दिया जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। तो धनायन आपका ये दिया गया, ये इतना धनायन, और ये ब्रैकेट के अंदर दिया गया है यानी कि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि लिगेंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। और यहाँ पर ये जो लिगेंड है, लिगेंड का नाम आपको याद करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है H2O, तो H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा, याद रखेगा H2O, इसे बोला जाता है एक्वा। इसी प्रकार से एक हम लोग यूज करते हैं NH3, इसे बोलते हैं एमीन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लिगेंड होंगे उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। H2O जैसे दिया गया है आपको यहाँ पर, तो H2O का मतलब ये है एक्वा, NH3 होता है एमीन, इसके अलावा होता है CO, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, इसके अलावा होता है NO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो जो लिगेंड हैं इनके नाम अब आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बताया गया, लिगेंड का नाम लिखना है वो भी संख्या सहित। तो ध्यान दीजिए, आप इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का, यहाँ पर संख्या कितनी? 6, और 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना है संख्या सहित, तो आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा, 6 है इसलिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा एक्वा। अब ध्यान दीजिए, लिगेंड का नाम लिखना है संख्या सहित, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एक्वा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेक्सा, इसके बाद आपको लिखना है एक्वा। तो ये हो गया लिगेंड का नाम संख्या सहित। अब इसके बाद आपको लिखना है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है वो भी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है? Fe, Fe को हम लोग बोलते हैं आयरन। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आयरन इस प्रकार से। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है आपको। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये दिया गया है Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इसका X, इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, यहाँ पर है H2O, इस पर ध्यान दीजिए कोई आवेश नहीं दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर जो है कोई आवेश नहीं है,
कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है Cl3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl3 है और इस पर कितना आवेश है, -3 आवेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और बराबर जीरो, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर +3 और -3 दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बराबर में जीरो, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, +3, ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3। तो यहाँ पर रोमन में आपको लिखना है इस प्रकार से, थर्ड, यहाँ पर आप रोमन में लिखेंगे थर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नाम हो गया संख्या सहित, इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु का नाम हुआ ऑक्सीकरण संख्या सहित, इसके बाद अब आपको लिखना है ऋणायन का नाम, तो ऋणायन ध्यान दीजिए यहाँ पर है Cl3, ये दिया गया आपको Cl3, जैसे कि आपको बताया गया है NaCl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए NaCl होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर Na जो होता है ये प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी कि Cl माइनस को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्लोराइड। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो Cl है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो अब आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका नाम आ गया हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसके अनुसार लिखा गया है। सबसे पहले हम लोगों ने लिगेंड का नाम लिखा है संख्या सहित, ये आपका लिगेंड का नाम हो गया संख्या सहित, इसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सहित, और इसके बाद ऋणायन का नाम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर धनायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है ये सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा, इसका नाम बदला नहीं जाएगा, ये आप लोग याद रखेगा कि अगर धनायन दिया गया है बड़े ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु जो है, यानी कि जो ऋणायन है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया, तो वहां पर जो केंद्रीय परमाणु होगा इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि धनायन का नाम लिखना है लेकिन संख्या नहीं बतानी है, तो धनायन यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है, तो आप इसका नाम लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम आप बताएंगे यहाँ पर पोटेशियम, ये हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आपको संख्या नहीं बतानी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपको लिखना है लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिगेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, सीएन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सीएन है इस पर जो आवेश होता है वो माइनस आवेश होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो है ऋणात्मक लिगेंड है, सीएन पर जो है माइनस आवेश होता है और ये ऋणात्मक लिगेंड है, तो ये याद रखेगा, अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है तो ऋणात्मक लिगेंड के अंत में जो है हमेशा ओ आ जाता है, याद रखिएगा, ऋणात्मक लिगेंड के अंत में जो है क्या आता है, ओ। तो यहाँ पर सीएन है, इसे हम लोग बोलेंगे फिर साइनो, याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा साइनो। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में हमेशा क्या आएगा, ओ आएगा। इसके अलावा अगर उदासीन या फिर धनात्मक लिगेंड है तो उसका नाम जो हम लोग बदलते नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा, अगर उदासीन या फिर धनात्मक लिगेंड है तो उसका नाम जो है नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा आपको बता ही दिया गया है कि जो H2O है इसे हम लोग एक्वा बोलेंगे, NH3 को एमीन बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखा जाएगा, ये आपको बताया गया। तो अगर ऋणात्मक लिगेंड है तो इसके अंत में क्या आता है, ओ। तो यहाँ पर ये दिया गया CN, इसे क्या बोलेंगे फिर, साइनो। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है लिगेंड का नाम संख्या सहित, संख्या क्या है, छः, छः के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, इसके बाद हो जाएगा साइनो, हेक्सा साइनो, इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है और ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए नाम भी बदलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या है, Fe, इसका हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं इसकी, तो ऑक्सीकरण संख्या अगर इसकी ज्ञात करेंगे तो अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपको K4 है, तो K4 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं +4, इस प्रकार से होगा। इसके बाद Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसकी हम लोग मान लेते हैं X। इसके बाद Cn है, इस पर कितना है, -6 आवेश है, तो -6 बराबर में हो जाएगा जीरो, क्योंकि -4 और +4 दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर आप एक्स ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए 6 से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, +2 आ गई है।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या हो गई, और यहाँ पर आपको इसका नाम भी बदलना है केंद्रीय परमाणु का। तो नाम बदलते समय यहाँ पर आप लोग याद रखेगा, इसका नाम जो हम लोग बदल कर क्या कर देते हैं, एट। इसके नाम के अंत में क्या जोड़ा जाता है, एट हमेशा जोड़ दिया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ऋणात्मक संकुल दिया गया है तो ऋणात्मक संकुल में जो केंद्रीय परमाणु होता है यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो होता है, इसके नाम के अंत में हम लोग हमेशा एट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया था आपका, आयरन यानी कि Fe दिया गया था। तो यहाँ पर जब इसके लास्ट में यहाँ पर जो है एट जोड़ेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे फेरेट। यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे आप फेरेट, और आक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, +2, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेकेंड रोमन में। तो इस प्रकार इसका नाम ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये दोनों नियम ध्यान रखने हैं बस। अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर धनायन दिया गया है तो आपको ये नियम प्रयोग करना है, और अगर बड़े ब्रैकेट में ऋणायन दिया गया है तो वहाँ पर आपको इस नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण के जितने भी नियम आपको बताए गए हैं, ये सारे नियम मैंने लिख दिए हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिए और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आप दोबारा इन्हें पढ़कर याद कर सकें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें आयनों के नामकरण का क्रम, इसमें आपको बताया गया है कि जो आयनिक संकुल है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग धनायन और इसके बाद जो है ऋणायन का नाम लिखेंगे, ये आपको बताया गया। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि आयनिक संकुलों में जो है पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए लिगेंडो के नाम, इसमें आपको ध्यान दीजिए बताया गया कि ऋणात्मक लिगेंडो के नाम के अंत में जो है ओ आ जाता है, ये आपको बताया गया कि जो ऋणात्मक लिगेंड है, जैसे अभी आपको क्या बताया गया था CN-, तो ये जो है ऋणात्मक लिगेंड है तो इसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, जैसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो। इसी प्रकार क्लोराइडो, इनके अंत में क्या हमेशा आएगा, ओ आ जाएगा, तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा उदासीन तथा धनात्मक लिगेंडो के नाम जो है वो नहीं बदले जाते हैं, वो सेम टू सेम रहते हैं। इसके अलावा H2O, इसको हम लोग एक्वा, NH3 के लिए हम लोग एमीन, CO को हम लोग कार्बोनिल, इसके अलावा NO के लिए जो है नाइट्रो से लिखा जाता है। इसके बाद लिगेंडो के नामकरण का क्रम, यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उसको जो है नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया गया है के, इसके बाद इसमें दिया गया है PT, यहाँ पर है BR का होल थ्राइस, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है NH3, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर आपका केंद्रीय परमाणु है और ये दोनों यहाँ पर जो है लिगेंड दिए गए हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए एक से अधिक लिगेंड हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें आपको लिगेंड का नाम लिखना होता है, तो इन दोनों लिगेंडों में से किसका नाम आपको पहले लिखना है, इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए BR का होल थ्राइस है, इसके अलावा NH3 है, NH3 का मतलब यहाँ पर एमीन, तो एमीन के लिए हम लोग पहला शब्द क्या यूज कर रहे हैं, ए, क्योंकि ये है एमीन। और इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया BR, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो, यहाँ पर इसमें आ रहा है B, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे यानी कि एमीन, इसका नाम जो है पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखना है इससे मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप कुछ पॉइंट और देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए लिगेंडो की संख्या का विवरण, यानी कि जो लिगेंड होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से लिखनी है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल हैं जैसे कि क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या जो है उनके नाम से पहले हम लोग डाई, इसके अलावा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जोड़कर जो है प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा हम लोग जो है बिस, ट्रिस आदि प्रयुक्त करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा लिगेंड के पहले जो है उसकी संख्या लिखी जाती है, इस प्रकार से। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, जो केंद्रीय धातु आयन का नामकरण है इसमें पहले ही आपको बताया गया कि जो ऋणायन संकुल होते हैं, याद रखिएगा ऋणायन संकुल, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है PT, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है NH3, CL5 ये दिया गया है, तो ये जो है ऋणायन संकुल है। तो
तो अगर इस प्रकार का कोई संकुल दिया गया है तो इसमें जो हम लोग पहले लिगेंड को नामांकित करते हैं, उसके बाद जो है केंद्रीय परमाणु को नामांकित करते हैं। और यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके लास्ट में यानी कि उसके नाम के अंत में जो है हम लोग यहाँ पर एट जोड़ देते हैं, जैसे कि प्लेटिनम है तो इसे यहाँ पर बोला जाएगा प्लेटिनेट। याद रखिएगा इसे क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट, यानी कि इसके अंत में क्या जोड़ते हैं, एट, तो इसे बोला जाएगा फिर प्लेटिनेट। ये आप लोग याद रखेगा। और इसके बाद जो हम लोग इसकी आक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें क्या जोड़ेंगे, एट, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर उसकी आक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देंगे। और इसके अलावा अगर धनायनिक तथा उदासीन संकुल है, जैसे कि आप बता सकते हैं धनायनिक या फिर उदासीन, तो अगर धनायनिक और उदासीन संकुल जैसे कि मान लीजिए दिया गया आपको Cr(H2O) का होल 4Cl2 इस प्रकार से दिया गया है, या फिर आपको दिया गया है CO(NO3) का होल थ्राइस, इसके अलावा NH3 यहाँ पर दिया गया है का होल थ्राइस इस प्रकार से, यानी कि उदासीन दिया गया या फिर धनायनिक है, तो भी हम लोग उसमें जो है सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड के बाद जो हम लोग वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी आक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देते हैं, जैसे कि अभी आपको पूरा बताया गया था। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर एक से अधिक लिगेंड दिए गए हैं तो किस प्रकार से उसका IUPAC नाम लिखेंगे, जैसे कि अभी आपको एक बताया गया था के, इसमें दिया गया था यहाँ पर PT यानी कि प्लेटिनम, इसके बाद ध्यान दीजिए BR का होल थ्राइस NH3 इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन। तो यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है, इस पर धन आवेश होता है, एक पोटेशियम है तो एक प्लस हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बाहर दिया गया है ये धनायन है और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये यहाँ पर ऋणायन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिखना है लेकिन उसकी संख्या नहीं बतानी है। तो धनायन है यहाँ पर पोटेशियम, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसका नाम पोटेशियम। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब एक से अधिक लिगेंड होंगे तो उन दोनों में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये है एमीन, इसका ए, और यहाँ पर ब्रोमीन का बी, तो दोनों में ए पहले आता है अंग्रेजी में, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एमीन इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एमीन इस प्रकार से। इसके बाद जब इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसके आगे ध्यान दीजिए तीन लिखा है, इसकी संख्या हम लोग लिखेंगे तो इस संख्या के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा ट्राई। इसके बाद बी आर है, ध्यान दीजिए बी आर, तो बी आर है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो, याद रखिएगा इसका नाम है ब्रोमिडो, ये हो जाएगा ब्रोमिडो। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर ऊपर माइनस आवेश है, यानी कि ये ऋणायन है बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर इसके नाम के आगे हम लोग एट लगा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लेटिनेट, इसे बोला जाएगा यहाँ पर प्लेटिनेट, इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी आक्सीकरण संख्या, इसकी आक्सीकरण संख्या जो है दो होती है, तो यहाँ पर हम लोग रोमन में लिख देंगे दो। आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये अभी आपको बताया गया है, सेम उसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है इस पर कितना आवेश है, +1 इतना हुआ, इसकी आक्सीकरण ज्ञात करनी है संख्या आपको तो +x, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर -3 आवेश हो जाएगा, एमीन ये शून्य, इस पर जो है शून्य आवेश होता है और बराबर 0, प्लस माइनस दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x -3 से घटा दीजिए -2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 प्लस का, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर रोमन में हम लोग लिख देंगे सेकेंड। तो इस प्रकार इसका ये नाम हो गया पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमिडो प्लेटिनेट सेकेंड, इस प्रकार से जो हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि समावयवता किसे कहते हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी यौगिक का जो है आपको संरचना सूत्र दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2Br इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यही संरचना सूत्र आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसमें यहाँ पर लिख दीजिए Br। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसका हम लोग अणु सूत्र लिखें तो इसमें ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C3, इसके अलावा हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 3,
दो पाँच और दो सात, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? सात। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा बी आर, इस प्रकार से हुआ। और अगर इसका हम लोग यहाँ पर अणुसूत्र लिखें तो यहाँ पर धन जी कार्बन कितने हैं? एक दो तीन कार्बन हो गए तीन। इसके अलावा धन जी हाइड्रोजन इसमें तीन, चार और तीन, हाइड्रोजन कितने हो गए? सात। इसके अलावा बी आर, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों ये जो संरचना सूत्र दिए गए ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो ये अणु सूत्र हैं ध्यान दीजिए दोनों सेम हैं। यहाँ पर भी C3H7Br, यहाँ पर भी C3H7Br, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बी आर है इसमें सेकंड नंबर पर लगा है, यानी कि ये एक दो और तीन, इसमें बी आर जो है वो सेकंड नंबर पर है और इसमें बी आर जो है फर्स्ट नंबर पर है, वन टू थ्री, इसमें जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। तो दोनों के संरचना सूत्र यहाँ पर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के अणु सूत्र जो है समान है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग बोलते हैं फिर समावयवी यौगिक। याद रखेगा जिनके संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग हों और उनके रासायनिक सूत्र या फिर बोल सकते हैं आप अणु सूत्र जो है वो समान हों, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं समावयवी यौगिक, और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र यानी कि अणु सूत्र जो है वो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग होते हैं यानी कि भिन्न होते हैं, उन्हें जो हम लोग समावयवी यौगिक कहते हैं, और इस घटना को जो है समावयवता कहते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो समावयवता है ये दो प्रकार की होती है, इसके बारे में याद रखिएगा कि समावयवता जो है ये दो प्रकार की होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए इसमें समावयवता इसे जो है यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, एक है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और इसके अलावा दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। इसके अलावा जो ये आपकी संरचनात्मक समावयवता है ये भी कई प्रकार की होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संरचनात्मक समावयवता है इसे यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है, एक तो आप बता सकते हैं आयनन समावयवता, एक होती है आयनन समावयवता, इसके अलावा दूसरी आप बता सकते हैं इसमें जलयोजन समावयवता, जलयोजन समावयवता, इसके अलावा तीसरे इसमें आप बता सकते हैं कि बंधनी समावयवता, याद रखिएगा बंधनी समावयवता, और इसके अलावा इसमें आप चौथी बता सकते हैं उपसह संयोजक समावयवता, इसे हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक समावयवता, यहाँ पर हो जाएगा उप सह संयोजक समावयवता। तो इस प्रकार यहाँ पर जो संरचनात्मक समावयवता है ये चार प्रकार की होती है। इसके अलावा जो त्रिविम समावयवता है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता, इसे हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, और इसके अलावा दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा कि समावयवता जो है दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होती है ये चार प्रकार की होती है, आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, इसके अलावा बंधनी समावयवता और उपसह संयोजक समावयवता। इसके अलावा जो त्रिविम समावयवता है ये दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता, इसके अलावा प्रकाशिक समावयवता। तो अब ध्यान दीजिए तो वही यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र जो है भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, तथा इस घटना को जो है समावयवता कहते हैं। यह जो है दो प्रकार की होती है, पहली संरचनात्मक समावयवता, यह जो है निम्न प्रकार की होती है जिसमें आपको पहला बताया गया है आयनन समावयवता। तो इसके लिए पहले आप इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक CO Cl, इसके अलावा दिया गया है NH3, यहाँ पर होल फाइव इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है SO4 इस प्रकार से, और इसके अलावा दूसरा इसमें दिया गया है CO
यहाँ पर आपको दिया गया है SO4 इस प्रकार से, और इसके बाद दिया गया है NH3 का होल 5, और यहाँ पर बाहर दिया गया है Cl। तो अब इन दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कोबाल्ट एक है, यहाँ पर भी इसमें कोबाल्ट एक है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए ये एक Cl है, यहाँ पर भी एक Cl है। सल्फेट यहाँ पर ध्यान दीजिए SO4 दिया गया, यहाँ पर भी SO4 है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर NH3 के 5 अणु दिए गए, यहाँ पर भी NH3 के 5 अणु दिए गए। यानी कि दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या जो है समान है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl जो है ये ब्रेकेट के अंदर दिया गया है, और इसमें यहाँ पर Cl बाहर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो है सल्फेट अंदर दिया गया है, और इसमें यहाँ पर सल्फेट बाहर है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर जल में घोलेंगे, यानी कि जब इसे यहाँ पर जल में डाला जाएगा, तो जल में डालने पर जो है यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जो SO4 है इस पर 2- होता है, यानी कि -2 आवेश होता है। तो जब इस पर -2 आवेश होता है और इसे हम लोग जल में डालेंगे, तो इस पर जो है इसे बैलेंस करने के लिए +2 आवेश आएगा, और ये यहाँ पर जो है इससे अलग हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स जो है यहाँ पर इससे अलग हो जाएगा, और प्रति आयन जो होता है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो Cl है इस पर माइनस आवेश होता है, तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा, और ये जल में घोलने पर जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि जब इसे हम लोग जल में घोल देंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन से आयन होंगे, एक आयन होगा आपका CO, Cl, इसके बाद NH3 5, इस प्रकार से होगा, इस पर +2 आवेश होगा, और इस पर ध्यान दीजिए SO4 2-, इस प्रकार से ये होगा। इसमें ध्यान दीजिए जब इससे हम लोग जल में घोलेंगे, तो इसमें एक आयन होगा आपका CO SO4 NH3, इस प्रकार से यहाँ पर इस पर होगा प्लस आवेश, और इसके अलावा जो दूसरा होगा वो होगा Cl-। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या सेम थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इनके आयनों में जो है वो डिफरेंस है, यानी कि इनके आयनों में परिवर्तन है यहाँ पर, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आयनन समावयवता। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह समावयवता जो है सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या फिर आयनन के विनिमय के कारण होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है जल योजन समावयवता, यहाँ पर याद रखिएगा इसे हम लोग जल योजन समावयवता या फिर इससे बोला जाता है हाइड्रेट समावयवता। याद रखिएगा इससे आप बोल सकते हैं हाइड्रेट समावयवता, या फिर आप इसे बोल सकते हैं जल योजन समावयवता। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसमें दिया गया है Fe, इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है H2O, और यहाँ पर जल के अणु दिए गए हैं 6, इसके बाद बाहर इसमें दिया गया है यहाँ पर Cl3, इसके बाद अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा दिया गया है Fe, यहाँ पर है H2O, इसके बाद यहाँ पर जल के हो गए 5 अणु, एक Cl यहाँ पर हो गया। इसके अलावा बाहर ध्यान दीजिए यहाँ पर जल के 5 अणु हैं, एक जल का अणु बाहर है H2O, इसके अलावा Cl। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो उन्हें हम लोग बोलते हैं जल योजन समावयवता। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर Fe दोनों सेम है, इसके अलावा H2O के 6 अणु हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए H2O के 5 ही और एक ही, 6 यहाँ पर भी हो जाएंगे। इसके अलावा Cl3 यहाँ पर है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर Cl है और यहाँ पर होगा Cl2, तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए Cl और Cl2 मिलकर कितने अणु हो जाएंगे इसके, 3, और यहाँ पर भी कितने, 3, यानी कि दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो जल के अणु हैं इसमें भिन्नता है, यानी कि यहाँ पर जल के 6 अणु जो है अंदर दिए गए हैं इस बॉक्स के, और इसमें जो है 5 अणु अंदर दिए गए हैं और 1 अणु जो है वो बाहर दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसमें जल के अणुओं में जो है भिन्नता है, इसलिए इसे हम लोग जल योजन समावयवता या फिर हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। इसीलिए इसमें लिखा गया कि यह उपसह संयोजक संकुल जो है जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित है। इसके बाद अगला है बंधनी समावयवता, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं बंधक समावयवता, इसे आप बंधनी भी बोल सकते हैं या फिर बंधक समावयवता बोल सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि इस प्रकार की समावयवता उपसह संयोजक यौगिक में उभयदंती लिगैंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हो रही है उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर CN ये होता है, इसके अलावा आप बता सकते हैं NO2, ये जो होते हैं ये उभयदंती लिगैंड होते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण जो है उत्पन्न होती है, जो दोनों परमाणुओं में से किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। दोनों परमाणु यानी कि कार्बन
और नाइट्रोजन, इन दोनों में से जो है किसी एक के द्वारा जो है धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है Cr, इसके बाद है Cn, यहाँ पर दिया गया है H2O5, इस प्रकार से ये हो गया। और इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया है CrNc, और इसके बाद यहाँ पर है H2O, यहाँ पर 5 और दिए गए हैं, और इस पर जो आवेश है यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2 आवेश है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर CN है, यहाँ पर क्या लिखा गया है NC, तो इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर जब ये CN लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये CN है ये क्रोमियम के साथ इसमें C जो है यानी कि जो कार्बन है ये बंध बना रहा है यहाँ पर। और इसमें ध्यान दीजिए इसमें जो है क्रोमियम के साथ कौन बंध बन रहा है, N, यानी कि इसमें जो है कार्बन के साथ कौन बंध बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बंध बना रहा है, इसमें कार्बन बना रहा था, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे समावयवी यौगिक जिसमें जो है दोनों परमाणुओं में से किसी एक के द्वारा जो है धातु आयन जुड़ सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बंधनी समावयवता। इसमें जो है हम लोग CN का प्रयोग भी कर सकते हैं और NO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक समावयवता, इसके लिए पहले आप उदाहरण ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप ले सकते हैं CO NH3, इस प्रकार से यहाँ पर होगा। इसके अलावा Cr CN का होल 6, और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लिया गया है CO, यहाँ पर हो जाएगा CN का होल 6। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा Cr NH3 का होल 6, इस प्रकार से। अब इसमें यहाँ पर दोनों में अंतर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये NH3 दिया गया है होल 6, इसके अलावा यहाँ पर है CN, यानी कि इसमें कोबाल्ट के साथ क्या है NH3 और क्रोमियम के साथ क्या है CN। और इसमें ध्यान दीजिए अब इसमें कोबाल्ट के साथ क्या आ गया CN, और इसके अलावा क्रोमियम के साथ क्या आ गया NH3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इनमें परिवर्तन है NH3, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यानी कि CN यहाँ पर इस पर माइनस आवेश होगा, इस पर प्लस आवेश होगा, यानी कि धनायन और ऋणायन। इसमें जो है दोनों प्रकार के संकर उपस्थित होंगे। तो अगर दोनों प्रकार के संकर उपस्थित होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे उपसह संयोजक समावयवता। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रकार की समावयवता तब पाई जाती है जब धनायन तथा ऋणायन दोनों संकर उपस्थित होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए त्रिविम समावयवता, यह जो है दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है ज्यामिति समावयवता। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए जो ज्यामिति समावयवता है ये यहाँ पर इसमें दो प्रकार के समावयवी होते हैं, एक होते हैं समपक्ष समावयवी और दूसरे होते हैं विपक्ष समावयवी। याद रखिएगा यहाँ पर जो ज्यामिति समावयवता है इसमें जो है दो प्रकार के समावयवी होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं समपक्ष, याद रखिएगा समपक्ष, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं विपक्ष। ये आप लोग याद रखिएगा यानी कि समपक्ष समावयवी समावयवी, इसके अलावा दूसरा होता है विपक्ष समावयवी। इसमें जो है दो प्रकार के समावयवी पाए जाते हैं, एक समपक्ष और दूसरा विपक्ष। समपक्ष के लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है Pt यानी कि प्लेटिनम NH3 का होल 2 Cl2, इस प्रकार से एक यौगिक दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसके हम लोग संरचना बनाए यहाँ पर, तो जो प्लेटिनम है यानी कि Pt ये यहाँ पर केंद्र में होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसमें जो क्लोरीन है यानी कि Cl एक इस प्रकार से और दूसरा Cl इस प्रकार से यानी कि पास पास जुड़े हों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा NH3 जो है एक यहाँ पर और एक NH3 यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसमें ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर ये Cl और ये Cl दोनों पास पास हैं, इसके अलावा NH3 NH3 ये दोनों भी पास पास हैं। तो जब इस प्रकार की संरचना होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे फिर समपक्ष समावयवी। अगर यही इस प्रकार से दिया होता, अब इसमें ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए Pt दिया गया है केंद्र में होगा, यहाँ पर एक Cl जुड़ा है, इसके अलावा दूसरा Cl यहाँ पर है, इसी प्रकार ध्यान दीजिए एक NH3 यहाँ पर दिया गया है और दूसरा NH3 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए Cl और Cl दोनों विपरीत हैं, NH3 NH3 ये भी दोनों विपरीत हैं, तो इसे बोला जाएगा फिर विपक्ष समावयवी, और यहाँ पर ये था समपक्ष, इसमें जो है Cl और Cl दोनों पास पास थे। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया था कि यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के
चारों ओर लिगैंडों के विभिन्न ज्यामिति वितरण के कारण जो है उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एक केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों ओर जो है यहाँ पर लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि यह संभाव्यता जो है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगैंडों के विभिन्न ज्यामिति वितरण के कारण जो है उत्पन्न होती है, और यह संभाव्यता जो है हेट्रोलेप्टिक संकरों में मिलती है। तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा आपको बता दिया गया कि ज्यामिति समावयवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क समावयवी और दूसरा विपत समावयवी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है इसमें प्रकाशिक समावयवता। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों तथा जिनमें जो है किरैल केंद्र उपस्थित हो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। यह समावयवता जो है द्विदंती लिगैंड युक्त अष्टफलकीय शंकरों में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक दर्पण दिया गया है और यहाँ पर कोई यौगिक है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो जब इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1, 2, ध्यान दीजिए 1, 1 की जगह पर है, 2, 2 की जगह पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो आपका यहाँ पर 3 था, अब वो इधर आ जाएगा, जो 4 था वो इधर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनती है, यानी कि इस दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ पर ऊपर और नीचे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परिवर्तन हो जाता है। बाएं पक्ष की जगह पर दाएं पक्ष आ जाता है और दाएं पक्ष की जगह पर बायां पक्ष आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अंतर यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में आ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक यौगिक दिया गया है कोबाल्ट, यानी कि COEN का होल थ्राइस, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर EN का मतलब होता है एथिलीन डाईअमीन, इसे हम लोग लिखते हैं EN, यानी कि इसका मतलब होता है CH2। CH2 यहाँ पर होता है NH2, NH2 इसे हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाईअमीन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं EN, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये NH2 होता है, एक बंध ये बनाता है, एक NH2 ये बनाता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर एक एक बंधन बनाते हैं। इसका मतलब एक EN जो है यहाँ पर कितने बंध बना रहा है, 2, और यहाँ पर कितने EN है, 3। तो इसका मतलब ये टोटल कितने बंध बनाएंगे, 6 बंध बनाएंगे। इसके अलावा आपको बता दिया गया कि जो प्रकाशिक समावयवता है ये अष्टफलकीय शंकरों में पाई जाती है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है कोबाल्ट, ये मध्य में दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 6 बंध बना रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक बंध, इसके अलावा 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, एक ये हो जाएगा 5 और एक ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है टोटल 6 बंध बनाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक EN जो है कितने बंध बना रहा था, 2। तो अब जब यहाँ पर हम लोग इसमें EN लगाएंगे, इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए EN है, तो ये 2 बंध बनाएगा, एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। यहाँ पर ये एक बंध बनाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये EN दिया गया, तो ये एक इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए EN है, तो ये एक बंध ऐसे बनाएगा, एक बंध इस प्रकार से बनाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसका मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, तो अब ध्यान दीजिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पर CO मध्य में हो जाएगा। इसके अलावा अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल 6 बंध, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएंगे, तो इसमें अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बाएं होता है वो दाएं पक्ष में आ जाता है, जो EN इधर था अब वो EN इस तरफ आ जाएगा, और ये EN जो है इसके साथ बंध बनाएगा इस प्रकार से, और इसके साथ इस प्रकार से। इसके अलावा ये EN जो यहाँ पर था अब इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार से इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये EN जो इधर था वो इस तरफ आ जाएगा, एक EN इसके साथ और ये इसके साथ बंध बनाएगा। इस प्रकार जो है इसका ये यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी यौगिक, यानी कि इस घटना को बोला जाएगा प्रकाशिक समावयवता। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधता। तो इसके लिए आप लोग याद रखेगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए जो है दो सिद्धांत दिए गए हैं। याद रखेगा इसके लिए जो है दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे हम लोग बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, और इसके अलावा इसमें दूसरा है
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो याद रखिएगा यहां पर कि उपसह संयोजक यौगिकों में जो है बंधता को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत बताए गए हैं, एक है संयोजकता आबंध सिद्धांत और दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग आज इसमें जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। याद रखिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसे बोला जाता है VBT। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इस सिद्धांत को जो है किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो है इसके लिए आप लोग दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखेंगे, एक पॉलिंग और दूसरा स्लेटर। याद रखिएगा, इसके लिए जो है आपको याद रखना है पॉलिंग, और इसके अलावा दूसरा याद रखना है आपको स्लेटर। तो यह सिद्धांत जो है पॉलिंग व स्लेटर के द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए जो है ये दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी इसमें कई वैज्ञानिकों ने बाद में सुधार किए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, एक पॉलिंग और दूसरा स्लेटर। इनके बारे में आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है इस सिद्धांत का लाभ क्या है, यानी कि यह सिद्धांत जो है किस लिए बनाया गया है। तो इसके लिए आप बताएंगे कि इस सिद्धांत की सहायता से जो है किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व फिर चुंबकीय गुण का जो हम लोग स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस सिद्धांत को जो है किस लिए बनाया गया, यानी कि इसका लाभ क्या है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी सहायता से जो है हम लोग किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन, याद रखिएगा त्रिविम रसायन, इसके अलावा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से जो है पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो हम लोग किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व फिर चुंबकीय गुण का जो है स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक उपसहसंयोजक आयन लिया गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है Fe(CN)-4। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है, कोई आयन है। तो आपको बताया गया कि जो ये उपसह संयोजक यौगिक होता है इसमें जो ये Fe दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो Fe है इसे हम लोग बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। इसके अलावा जो ये CN दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो ये यहाँ पर लिगेंड है और ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पर ये जो उपसह संयोजक आयन लिया गया है इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो आप लोग इस सिद्धांत के अनुसार याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको सिद्धांत बताया जा रहा है इस सिद्धांत के अनुसार आप याद रखें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन है इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर, यानी कि जितनी इसकी समन्वय संख्या होती है उसके बराबर जो है इसके रिक्त कक्षक होते हैं जिनसे यह संकरण करता है। याद रखिएगा, इसके पास जो रिक्त कक्षक होते हैं उन्हीं से संकरण करता है, और संकरण करके वह जो है आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। संकरण करने के बाद जो है वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है, जिन्हें हम लोग संकरित कक्षक भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार इसमें जो पहला पॉइंट बताया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। यहाँ पर जो आबंधित कक्षक है इन्हें आप संकरित कक्षक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है अपनी समन्वय संख्या के बराबर। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप समन्वय संख्या की बात करें तो अब इसके लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए कुछ पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसमें समन्वय संख्या, इसके बाद संकरण, और फिर यहां पर उसकी ज्यामिति इस प्रकार से।
तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी उपसहसंयोजक यौगिक की समन्वय संख्या जो है दो है, अगर उसकी समन्वय संख्या कितनी है दो, तो उसमें ध्यान दीजिए संकरण किस प्रकार का होगा, एस और पी। उसमें कौन कौन से कक्षक होंगे, एस और पी कक्षक होंगे, यानी कि उसका संकरण कैसा होगा, एस पी संकरण होगा। तो अगर समन्वय संख्या दो है तो वहां पर संकरण होगा एस पी, और उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी रेखी। ये आप लोग याद रखेगा, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, फिर रेखी होगी। अगर समन्वय संख्या चार है तो समन्वय संख्या चार होने पर जो संकरण होता है वो एस पी थ्री, याद रखिए यहाँ पर एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक हो जाएंगे, एस पी थ्री। अगर समन्वय संख्या चार है तो संकरण कैसा होगा, एस पी थ्री संकरण होगा। और इस स्थिति में जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फल की होगी, कैसी होगी, चतुष्फल की। ये आप लोग याद रखिएगा, ज्यामिति होगी उसकी चतुष्फल की, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर समन्वय संख्या चार है तो वहां पर जो संकरण है वो इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि एक डी कक्षक होगा, एक एस कक्षक होगा, इसके अलावा दो पी कक्षक हो सकते हैं, यानी कि डी एस पी टू, इस प्रकार का भी संकरण हो सकता है। और अगर संकरण इस प्रकार का होगा तो वहां पर उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी वर्गाकार। यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी ज्यामिति होगी फिर वर्गाकार समतली, ये यहाँ पर जो है इसकी ज्यामिति हो जाएगी। समन्वय संख्या चार में ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो दो प्रकार से संकरण जो है दिखा सकता है, और संकरण बदलने पर यहाँ पर उसकी ज्यामिति भी बदल जाएगी। इसके अलावा अगर समन्वय संख्या छः है, और अगर समन्वय संख्या छः है तो उसका जो संकरण होगा उसमें डी कक्षक जो होंगे वो दो हो सकते हैं, एक एस कक्षक होगा, इसके अलावा तीन पी कक्षक होंगे, तो तीन एक चार और दो छः, इस प्रकार से यहाँ पर ये संकरण दिखा सकता है। इसके अलावा ये संकरण इस प्रकार से भी हो सकता है, एस पी थ्री, इसके अलावा डी टू, इस प्रकार से भी ये संकरण लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर संकरण ध्यान दीजिए इस प्रकार से होगा तो फिर इसकी ज्यामिति जो होगी वो अष्टफल की होगी। इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी, फिर अष्टफल की, इस प्रकार से। तो अब ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो समन्वय संख्या है इसी के अनुसार ये संकरण को दर्शाएगा, और उसी के अनुसार जो है इसकी ज्यामिति यहाँ पर बताई जाएगी। और आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन है वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है इसमें रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह जो है आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है, जिन्हें हम लोग संकरित कक्षक भी बोलते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं अगर वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं अगर वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ जो है यहाँ पर अतिव्यापन करते हैं तो उसमें जो है सिग्मा बंध बनता है, जिसे हम लोग उपसहसंयोजक बंध भी कहते हैं। इसके अलावा अगर केंद्रीय धातु परमाणु के जो है भरे हुए कक्षक लिगेंड के जो है रिक्त कक्षकों के साथ जो है यहाँ पर अतिव्यापन करते हैं तो इसमें जो है पाई बंध बनता है, ये आप लोग याद रखेगा। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक जो है वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो इसमें बनता है सिग्मा बंध। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक जो है वो लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो उसमें बनता है पाई बंध। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। तो अब वही यहाँ पर आप लिखेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो है रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके अलावा यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ जो है अतिव्यापन करते हैं तो फिर क्या बनता है, पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना जो है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से जो है आप संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर एडिंग है उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। तो ये गुण जो है पेपर में लिखने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सारे गुण जो है अच्छे से समझना है। उसके बाद मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, यानी कि ये गुण जो है आपको किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करना है, बाकी इन सभी गुणों को आपको अच्छे से समझ लेना है। इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे, वहां पर कोई भी जो है उपसहसंयोजक यौगिक दे दिया जाएगा या फिर उपसहसंयोजक आयन दे दिया जाएगा और उससे संबंधित कई क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, तो उसी के लिए आपको ये गुण यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु की
आक्सीकरण संख्या ज्ञात करके। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है, सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु परमाणु की जो है आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। और आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जो है केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है उसके आयन का आप वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है आपको प्रबल और दुर्बल लिगेंड की पहचान करना है, यानी कि इसमें से जो लिगेंड दिया जाएगा उसके साथ वो प्रबल लिगेंड है या फिर दुर्बल लिगेंड है, इसकी पहचान करना है। जैसे कि अभी आपको एक सूत्र बताया गया था, ध्यान दीजिए, Fe(CN)6 यहाँ पर था -4, तो इसमें ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये आपका लिगेंड है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी आपको आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, और उसके बाद जो है इसके आयन का आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दोबारा में यहाँ पर जो लिगेंड दिया गया है इसमें आपको प्रबल और दुर्बल लिगेंड की पहचान करनी है। आप पहचान कैसे करेंगे, अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रबल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। युग्मन का मतलब जोड़ा बना देते हैं, युग्मन कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो प्रबल लिगेंड आपका कौन कौन सा होगा, CO, इसके अलावा CN-, इसके अलावा NO2-, इसके अलावा आप बता सकते हैं EN, इसके अलावा NH3। इस प्रकार के जो लिगेंड हैं ये सभी यहाँ पर जो है प्रबल लिगेंड होंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रबल लिगेंड जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन कर देते हैं, यानी कि उसका जोड़ा बना देते हैं। इसके अलावा दुर्बल लिगेंड्स, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। आप बता सकते हैं कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं, युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये जोड़ा नहीं बना पाएंगे। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर दुर्बल लिगेंड बता सकते हैं, जैसे कि H2O, इसके अलावा आप बता सकते हैं C2O4-, इसके अलावा C2H5OH, इसके अलावा OH-, F-, इसके अलावा NO3-, Cl-, इस प्रकार बता सकते हैं, इसके अलावा Br-, I-, ये जितने भी लिगेंड हैं ये सभी यहाँ पर दुर्बल लिगेंड हैं। तो आपको दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो भी लिगेंड होगा इसमें आपको पहचान करनी है कि ये प्रबल लिगेंड है या फिर दुर्बल लिगेंड है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो है लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरते हैं, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक होंगे उसमें हम लोग जो है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को भरेंगे। इसके बाद जो क्या करना है आपको, भरे कक्षकों के आधार पर जो हम लोग संकरण वह ज्यामिति का पता लगाएंगे, यानी कि कक्षक भरने के बाद जो है उसी के आधार पर इसमें आपको संकरण का पता लगाना है, इसके अलावा उसमें जो है ज्यामिति का पता लगाना है। इसके बाद ध्यान दीजिए 5वें नंबर पे, यदि यौगिक के निर्माण में N-1d कक्षक का मतलब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कक्षक दिए गए, तो जो सबसे बाहरी कक्षक होता है इसे हम लोग एन कक्षक, इसके बाद वाला जो होता है वो N-1, तो यहाँ पर इसके बाद जो होगा वो N-1 होगा, इसके बाद जो होगा वो फिर N-2 होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि N-1d कक्षक भाग लेते हैं। तो ऐसा यौगिक जो है अंतः कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि यदि यौगिक के निर्माण में, यानी कि जो यौगिक बना है उसके निर्माण में जो है N-1d कक्षक अगर भाग ले रहे हैं
तो ऐसा यौगिक जो होता है फिर वो अंतःकक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। इसके अलावा यदि यौगिक के निर्माण में एन डी कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक जो है फिर बाह्य कक्षक संकुल या फिर उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। तो ये आपको वहां पर देखना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप छठवें नंबर में आप बता सकते हैं कि यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं तो यौगिक जो है प्रतिचुंबकीय होता है, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं तो ऐसा यौगिक जो है अनुचुंबकीय होता है। यानी कि वहां पर आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ों में है या नहीं। अगर वो जोड़ों में दिए गए हैं तो फिर वो प्रतिचुंबकीय होगा यौगिक, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं है तो इसका मतलब वो यौगिक जो है फिर कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसके बाद सातवें नंबर पर फिर आपको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं म्यू से, सूत्र होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये आपको एन प्लस टू दिया गया है, अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है एन एन यहाँ पर जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखा गया है बी एम, ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। याद रखिएगा इसे बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन, ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग लिखते हैं बी एम से, बोर मैग्नेटॉन, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा। तो ये सातों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इन्हीं सातों पॉइंट की सहायता से जो है आप किसी भी उपसंयोजक यौगिक या फिर आयन में दिए गए जो है सभी गुणों के बारे में बता सकते हैं। तो अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग उपसंयोजक आयन लेते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया था Fe(CN)₆, यहाँ पर -4 ये था, तो यही यहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि जो ये दिया गया है Fe, ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी आपको आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए Fe की ज्ञात करनी है, तो इसके हम लोग मान लेते हैं एक्स, इसके बाद लगाएंगे प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए CN, इस पर माइनस आवेश होता है, कितने हैं 6, तो 6 × -, इस प्रकार से ये हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर जो इनकी आक्सीकरण संख्या होगी वो इसके कुल आवेश के बराबर होती है, तो यहाँ पर कितना होगा -4 था, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा एक्स, इसका गुणा करेंगे आप -6 बराबर -4, यानी कि एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -4 बराबर 2, यानी कि एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया है 2। तो यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं Fe की आक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो सबसे पहले आपको यही बताया गया था, इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद यहाँ पर इसके आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको Fe, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको पहले भी बताया गया, यहाँ पर हो जाएगा 1s2, इसके बाद होगा 2s2, 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2, यहाँ पर हो जाएगा 3p6, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 4s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3d6। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण कितनी संख्या आई है, प्लस का 2, यानी कि इस पर यहाँ पर कितना आवेश है +2। तो यहाँ पर इसके आयन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमेशा बाहरी कक्षा से निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाहरी कक्षा इसमें कौन सी होगी, ध्यान दीजिए ये पहली कक्षा, ये यहाँ पर दूसरी कक्षा, ये यहाँ पर तीसरी कक्षा है, और यहाँ पर ये बाहरी कक्षा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, सबसे बाद में ये, यानी कि बाहरी कक्षा ये है, इससे आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इससे आप फिर लिखेंगे यहाँ पर 1s2, इसके बाद हो जाएगा 2s2, 2p6, यहाँ पर हो जाएगा 3s2, 3p6, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3d6।
इस एस वाले से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इसका मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4s0, यानी कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जीरो। इसी प्रकार अगर आगे लिखना चाहें तो आप 4p0, इसमें भी जीरो होंगे। इसी प्रकार 4d0, इसमें भी जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ के बारे में भी बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब आगे, जीरो, क्योंकि एस में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दिए गए। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि आक्सीकरण संख्या लिखनी है, उसके बाद उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इतना हो गया। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया था यहाँ पर कि लिगेंड की पहचान करना है आपको। अब लिगेंड की पहचान करने के लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तो जीरो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जो भी क्रिया होगी अब इसमें होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तीसरी कक्षा है, यहाँ पर डी की बात करें तो डी में अगर हम लोग कक्षक बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, डी में कितने कक्षक होते हैं, पांच कक्षक होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, छः। अगर हुंड के नियम के अनुसार हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छः, छः इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर एस की बात करें तो एस में कितने कक्षक होंगे, एक। पी में कितने कक्षक होंगे, तीन कक्षक होंगे इस प्रकार से पी में। और अगर डी की बात करें तो डी में यहाँ पर कितने कक्षक हो जाएंगे, पांच कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दूसरे में बताया गया था यहाँ पर आपको लिगेंड की पहचान करना है, तो लिगेंड कौन सा है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिगेंड क्या था, सीएन, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं CN-, और आपको बताया गया कि ये कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। इसके बारे में अभी आपको बताया गया है, ये लिगेंड कैसा है यहाँ पर, प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड के बारे में भी आपको बताया गया था, कैसे पहचान करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को जो है युग्मित कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देते हैं। तो ये यहाँ पर जो लिगेंड दिया गया कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो अगर ये यहाँ पर प्रबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था Fe++, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है 3d6, इसके बाद यहाँ पर ये 4s0, इसके अलावा यहाँ पर 4p0 भी आप ले सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जैसे डी की बात करें तो डी में हम लोग कक्षक अगर बनाएंगे तो इसमें होंगे पाँच कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5। एस में यहाँ पर एक कक्षक हो जाएगा, पी में यहाँ पर तीन कक्षक हो जाएंगे, 1, 2, 3 इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पी के आगे जो डी इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड थे वो टोटल कितने हैं, ध्यान दीजिए छः, यानी कि यहाँ पर जो आपको लिगेंड दिए थे टोटल इसमें कितने हैं, छः, छः ही लिगेंड है, इसलिए आपको छः रिक्त स्थानों की आवश्यकता है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बाकी के छः आपको इसी में अब मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए आपको इसमें कैसे पहचानना है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कितने थे इलेक्ट्रॉन अभी तक, छः, ये प्रबल लिगेंड है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा तो अब इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिए किस प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि ये जोड़ा बन जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया। अब रिक्त स्थान ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रिक्त स्थान है और इतने ही लिगेंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो तीसरे नंबर पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको जो यौगिक दिया गया है, यानी कि Fe, यहाँ पर है CN6, यहाँ पर दिया गया था 4- इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर कक्षक बनाए गए हैं सेम इसी प्रकार से आप बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, एस वाला एक हो जाएगा, पी के लिए यहाँ पर जो है तीन कक्षक हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिए गए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, इतने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये लिगेंड है CN-, ये दिया गया आपको लिगेंड कितने हैं, छः, और एक CN- के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यानी कि एक जोड़ा होगा, यहाँ पर छः हैं तो छः जोड़े हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। तो अब ध्यान दीजिए, इनको यहाँ पर आप अलग कलर से दर्शा दीजिए, एक यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा इस प्रकार से। आप इन छः इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है इन रिक्त स्थानों में आप यहाँ पर भर सकते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आप बता सकते हैं 6 CN-, यानी कि साइनाइड आयन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, चौथे नंबर में आपको क्या बताया गया था, आपको इसमें संकरण और ज्यामिति की पहचान करनी है, यानी कि चौथे नंबर में आपको यहाँ पर क्या करना है, संकरण, इसके अलावा ज्यामिति पहचानना है, यानी कि इसका संकरण कैसा है और इसके अलावा इसकी ज्यामिति कैसी। तो अब संकरण के लिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो था
यहाँ पर हम लोग 3D कक्षक था, ये 4S0, यहाँ पर 6, और यहाँ पर था 4P0, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, डी कक्षक में कितने हैं, एक दो, दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि D2S में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ पर S हो जाएगा। P में एक दो तीन इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि यहाँ पर P3, यानी कि इसका संकरण होगा D2SP3, इस प्रकार से। और अगर इस प्रकार का संकरण होता है तो आपको आकृति बताई गई, यानी कि उसकी ज्यामिति कैसी होती है, फिर अष्टफल की होती है। यहाँ पर इसकी ज्यामिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी अष्ट फल की। तो इस प्रकार से हम लोग संकरण और ज्यामिति की पहचान करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर में आपको यहाँ पर इसका प्रकार बताना है। अब प्रकार के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी कक्षा का प्रयोग किया था, 3D, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे निकाले थे, 4S, यानी कि ये बाहरी कक्षा थी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ND है, और जिस कक्षा का हम लोग प्रयोग कर रहे थे इसका मतलब ये N-1D, इसके पहले वाली कक्षा है। तो यानी कि यहाँ पर प्रकार के लिए ध्यान दीजिए N-1D है, जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पर गुणों में बताया गया था। तो यहाँ पर ये N-1D, इसके कारण जो है आप बता सकते हैं, इसके कारण यहाँ पर ये जो होगा ये अंतः कक्षक संकुल, याद रखेगा अंतः कक्षक संकुल, इसके बारे में पूरा आपको बताया गया है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, क्योंकि यहां पर जो है ये N-1D है, इसलिए यहां पर हम लोग N-1D कक्षक, यानी कि N-1D का मतलब कितना है, 3D। इसके कारण जो है यहां पर ये कौन सा होगा, अंतः कक्षक संकुल, या फिर इसे आप बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्यों होगा, इसके बारे में अब आपको इसके नियम में बताया गया था पूरा, इस प्रकार से। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर 6वें नंबर में जो है इसकी चुंबकीय प्रकृति बतानी है, यानी कि 6वें नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है, यानी कि इसकी प्रकृति बतानी है। और चुंबकीय प्रकृति के लिए अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं, तो इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं है तो इसका मतलब वो अनुचुंबकीय होता है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सभी जोड़ों में हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सभी युग्मित हैं, यानी कि जोड़ों में हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। आप बता सकते हैं चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी प्रति चुंबकीय, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी प्रकृति बता सकते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर में आपको बताना है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो अगर चुंबकीय आघूर्ण बताना है तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है, म्यू बराबर होता है एन N+2, ये बताया गया था, जहां पर एन बताया गया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो, और यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है, यानी कि सभी के जोड़े दिए गए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, यानी कि यहाँ पर एन का मान कितना है, 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इसका मतलब म्यू का मान फिर यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि बराबर 0 BM, BM का मतलब बता दिया गया, बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार के गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा सकता है, यानी कि आपको कोई सूत्र दिया जाएगा, हो सकता है सूत्र देने के बाद उसकी केवल आक्षिकर संख्या आपसे पूछ ली जाए, या फिर उसमें लिगेंड की पहचान पूछ ली जाए, या फिर उसमें संकरण और ज्यामिति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या उसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछा सकता है, या चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछा सकता है, या इन सभी के बारे में पूछा सकता है। इसलिए आप इस टॉपिक को जो है पूरा अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि आप सभी को कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। जैसे कि पहला, इसमें जो है अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है, यानी कि इसमें कई प्रकार के जो है पूर्वानुमान बताए गए हैं। इसके अलावा यह जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या, इसका मतलब ये जो है केवल उसकी प्रकृति बताता है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, बल्कि उसकी मात्रा नहीं बताता है कि कितना प्रतिचुंबकीय है या कितना अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पर ये जो है उसकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा यह जो है उपसह संयोजक यौगिक के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। यह नियम जो है यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा
चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर समन्वय संख्या 4 है तो वहां पर उसकी संरचना यानी कि उसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय भी हो सकती है और वर्ग समतलीय हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय संरचनाओं का जो है सही अनुमान नहीं लगा पाता है। तो ये भी आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो है उपसह संयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो है उपसह संयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या जो है नहीं करता है। इसके अलावा जो है इसमें दुर्बल व प्रबल लिगेंड्स के मध्य जो है कोई भी विभेद नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो है दुर्बल व प्रबल लिगेंड के मध्य जो है कोई भी विभेद नहीं करता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। अब इसमें हम लोग दूसरा सिद्धांत यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोला जाता है CFT। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, इस सिद्धांत को जो है एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये आप लोग याद रखेगा, एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इस सिद्धांत के लिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक है, यहाँ पर दिया गया है FE, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CN होल 6, यहाँ पर दिया गया है 4-, तो इसमें ध्यान दीजिए ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और ये यहाँ पर होता है लिगेंड। इनके बारे में आपको पहले ही बताया गया, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु और ये यहाँ पर होता है लिगेंड। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार आप बता सकते हैं इसमें कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, ध्यान दीजिए अब बताएंगे इसमें कि जब केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो लिगेंड के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, याद रखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु जो है इसके समान ऊर्जा वाले डी कक्षक या फिर जिन्हें हम लोग बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, याद रखिएगा इन्हें बोला जाता है समभ्रंश कक्षक होते हैं, ये जो है असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षों में टूट जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है जब ये लिगेंड के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक या फिर संभ्रंश कक्षक जो है ये जो है यहाँ पर असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षों में टूट जाते हैं यानी कि स्प्लिट हो जाते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं विपाटित होना, टूटना यानी कि विपाटित होना, यहाँ पर इनका जो है विपाटन हो जाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विपाटित होना यानी कि कक्षक जो है यहाँ पर दो कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। पहले इनकी ऊर्जा जो है समान थी, अब इसके बाद ये असमान ऊर्जा के कक्षकों में जो है यहाँ पर विपाटित हो जाएंगे। जब यहाँ पर इन कक्षकों का विपाटन हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि डी कक्षकों का जो ये विपाटन है ये संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो इन कक्षकों का विपाटन हुआ है ये जो है संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इसमें कि डी कक्षकों का जो विपाटन है जिन दो समूहों में होता है यानी कि यहाँ पर जो समान ऊर्जा वाले कक्षक थे ये दो प्रकार के ऊर्जा कक्षकों में टूट जाते हैं, तो जिन कक्षकों में यहाँ पर इनका विपाटन होता है उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं EG कक्षक। याद रखिएगा एक को बोला जाता है T2G और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पर EG, ये यहाँ पर जो है इन कक्षकों के संकेत हैं। तो यहाँ पर जो है उन्हें हम लोग T2G और EG कक्षक कहते हैं, और इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है, याद रखिएगा इन दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है उसे हम लोग लिखते हैं 10 dQ। dQ का मतलब होता है डिफरेंशियल क्वांटा, याद रखिएगा डिफरेंशियल क्वांटा, यहाँ पर 10 dQ, या फिर इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 डेल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो यहाँ पर 10 dQ होता है, या फिर इसे हम लोग 10 डेल्टा भी लिख सकते हैं, और इस ऊर्जा अंतर को हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। याद रखिएगा इसे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। यहाँ पर जो डी कक्षक होते हैं इनका विपाटन जो है यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक अष्टफल के संकुलों में और दूसरा होता है चतुष्फल के संकुलों में। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बताया गया कि इस सिद्धांत को जो है एच पैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था।
इस सिद्धांत के अनुसार आप बता सकते हैं कि धातु लिगैंड जो है वो आबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत क्रियाओं के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार जो डी उपकोष के पांचों संभ्रंश कक्षकों का जो है लिगैंड के प्रहार द्वारा विपाटन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है लिगैंड के द्वारा वो विपाटित हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया कि जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है, यही आपको बताया गया था। यह विपाटन जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पहला है अष्टफलकीय संकुलों का जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर समान ऊर्जा के डी कक्षक दिए गए हैं। डी में जो है पांच कक्षक होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर जो है समान ऊर्जा के डी कक्षक दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ई यानी कि उनकी ऊर्जा जो है बढ़ती है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो है समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं, समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं, और इनकी ऊर्जा मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से है। तो आपको बताया गया यहाँ पर कि जब डी कक्षक यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक होते हैं, जब ये लिगैंड के संपर्क में आते हैं तो ये यहाँ पर विपाटित हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर ये लिगैंड के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पर इसके दो कक्षक जो है इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, यानी कि ऊपर चले जाएंगे, और बाकी के जो तीन कक्षक हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आएंगे, यानी कि ये जो है दो भागों में यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पर दो कक्षक अलग चले जाएंगे ऊपर की ओर, और यहाँ पर तीन कक्षक जो है ये नीचे की ओर आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कक्षक ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि जिसमें दो डी कक्षक हैं, इससे हम लोग बोलते हैं ई जी, और जो तीन कक्षक यहाँ पर नीचे आ रहे हैं इससे हम लोग बोलते हैं T2G। ये यहाँ पर इनका संकेत है। तो ये आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर ये जो पहला डी कक्षक है इससे आप बता सकते हैं ये जो है DX²Y², और जो दूसरा होगा इसके बारे में बताएंगे तो DZ²। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर बता सकते हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे तो ये हो जाएगा DXY, ये वाला होगा DYZ, और ये होगा यहाँ पर DZX। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पर असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक इस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब लिगैंड इसके संपर्क में आएगा तो वहाँ पर जो है वो इन दो कक्षकों पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब इन पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो यहाँ पर जो है ये अधिक ऊर्जा के कारण ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इनकी ऊर्जा यहाँ पर अधिक हो जाएगी, क्योंकि अब इनकी ऊर्जाएं यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए लिखा गया है असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक। तो यहाँ पर जब लिगैंड इसके संपर्क में आएगा तो इसमें यहाँ पर जो दो कक्षक थे इन पर ये जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये जो है अधिक ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा का डिफरेंस होगा इस वाले भाग का ऊपर का, ये होता है 6DQ, और जो ये वाला यहाँ पर अंतर होगा ये होगा यहाँ पर 4DQ, क्योंकि आपको बताया गया था कि कुल ऊर्जा का जो अंतर होता है वो 10DQ होता है, यानी कि यहाँ पर जो कुल ऊर्जा का अंतर होगा यहाँ पर वो होगा 10DQ, जिससे आप डेल्टा भी लिख सकते थे। इसलिए यहाँ पर इस भाग की जो ऊर्जा होगी वो 6DQ, और इस भाग की ऊर्जा को आप लिखेंगे 4DQ। यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप इस ऊर्जा के कारण यहाँ पर ये जो है दो असमान ऊर्जा वाले भागों में स्प्लिट हो जाएंगे, ये समान ऊर्जा के डी कक्षक। आपको यहाँ पर याद रखेगा कि जो दो कक्षक थे इन पर लिगैंड जो है अधिकतम यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसलिए यहाँ पर ये दो जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम होती है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इन पर ऊर्जा कम होगी, इसलिए ये यहाँ पर नीचे की ओर आ गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनके बारे में, जैसे कि मान लीजिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें जो बांड बनाएंगे इस प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिए ये, तो यहाँ पर जो अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं वो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। इसके बारे में आपको पहले से बताया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है इसके चार फलक हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे भी आप चार फलक बना सकते हैं, इसके बारे में आपको पहले से बताया गया। तो यहाँ पर जो इसके ये वाले भाग होते हैं इन पर जो है
अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए यहाँ पर इनकी ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। इसीलिए यहाँ पर ये दो कक्षक जो है इसके अलग हो जाते हैं, बाकी की ये तीन कक्षक जो है नीचे की ओर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा होगा यानी कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सेम इसी प्रकार से होगा, केवल वहाँ पर यही क्रिया उल्टा होगी, वहाँ पर ये दो कक्षक जो है नीचे की ओर जाएंगे, बाकी के ये तीन कक्षक जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार से वहाँ पर विपाटन होगा। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समान ऊर्जा वाले आपको डी कक्षक दिए गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर इस प्रकार से इनकी ऊर्जा बढ़ती है। ये जो है समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं, समान ऊर्जा के डी कक्षक, इस प्रकार से इनकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। तो जब यहाँ पर इनका विपाटन होगा तो इस बार जो है चतुष्फल के संकुलों के लिए यहाँ पर ऊपर जो है तीन कक्षक आ जाएंगे और नीचे यहाँ पर दो कक्षक आ जाएंगे। आपको बताया गया था जिसमें दो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ई जी, और जिसमें तीन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं T2G। इस प्रकार से इसके अलावा आपको बताया गया है जो पहला कक्षक है इसे DXY, दूसरा DYZ और तीसरा हो जाएगा DZX। इसी प्रकार इसमें होता है पहला DX2Y2 और दूसरा होता है DZ2। इस प्रकार से आप बता सकते हैं यहाँ पर जो इस भाग की ऊर्जा होगी, यहाँ पर तीन कक्षक है तो इसकी ऊर्जा का अंतर जो होगा यहाँ पर 4DQ। इसके अलावा जिस तरफ दो दिए गए हैं इस तरफ का जो ऊर्जा डिफरेंस होगा वो होगा 6DQ, और जो कुल ऊर्जा डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको बताया गया ये होता है 10DQ। तो यहाँ पर जिस तरफ दो हैं उस तरफ 6, यही सेम उसमें भी था, जिस तरफ दो थे वहां पर 6 था और जिस तरफ तीन थे वहां पर 4 था, 4 डिफरेंशियल क्वांटा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये भी सेम उसी प्रकार से है, केवल वही क्रिया यहाँ पर अलग प्रकार से हुई है, उसके विपरीत हुई है। इसमें दो कक्षक जो है ऊपर जा रहे थे और इसमें दो कक्षक जो है नीचे जा रहे हैं। इसके मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब की बार जो लिगेंड है वो यहाँ पर इसके तीन कक्षकों पर जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर जब तीन कक्षकों पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इनकी ऊर्जा जो है अधिक हो जाएगी, और ऊर्जा बढ़ने के कारण जो है ये ऊपर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर बताया गया आपको ऊर्जा बढ़ती है। तो तीन कक्षकों पर जो अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे, बाकी ये नीचे की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इन कक्षकों का जो है विपाटन हो जाएगा, यानी कि ये कक्षक जो है स्प्लिट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अनुप्रयोग। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर रीडिंग है उप सह संयोजक यौगिकों के रंग। इसमें आपको बताया गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुलों में यदि डी कक्षकों के दो समुच्चयों में ऊर्जा स्तर जो है सामान्यतः कम होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग जो है अवशोषित करके आसानी से जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर डीडी संक्रमण द्वारा जो है यहाँ पर चले जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग जो है अवशोषित करके आसानी से जो है निम्न ऊर्जा स्तर से जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर डीडी संक्रमण द्वारा जो है चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, यानी कि यहाँ पर जो रंग वो अवशोषित कर सकता है उस रंग का जो पूरक रंग होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, ये हो गया। यहां पर अवशोषित प्रकाश या रंग बोल सकते हैं आप, अवशोषित प्रकाश या फिर आप अवशोषित रंग बोल सकते हैं। इसके बाद फिर यहां पर उप सह संयोजक यौगिक का रंग। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम लोग एक उप सह संयोजक यौगिक ले लेते हैं, कोई CONH3 का होल 5 Cl, और इस पर जो है +2 आवेश है। यहाँ पर ये जो प्रकाश अवशोषित करेगा ये पीला प्रकाश जो है यहाँ पर अवशोषित करता है, तो अगर ये पीला प्रकाश अवशोषित करता है तो पीले का यहाँ पर पूरक रंग कौन सा होता है, वो होता है बैंगनी, यानी कि यहाँ पर फिर उप सह संयोजक यौगिक का रंग कैसा हो जाएगा,
बैंगनी हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर जो है बैंगनी रंग का दिखाई देगा, क्योंकि पीले का यहाँ पर पूरक रंग कौन सा होता है, बैंगनी, इसलिए वो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर CO यहाँ पर हो जाएगा NH3 का होल 5, इसके बाद H2O, इस पर यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो यौगिक है ये प्रकाश अवशोषित करता है नीला हरा, याद रखिएगा ये जो है यहाँ पर नीला हरा प्रकाश अवशोषित करता है, और इसका यहाँ पर जो पूरक रंग होता है वो होता है लाल, यानी कि यहाँ पर इसका कलर कैसा होगा फिर, लाल। तो वही आप यहाँ पर बताया गया था कि उसके द्वारा अवशोषित रंग का जो है पूरक होता है, संकुल का जो है वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे जो है दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि संक्रमण तत्वों से, याद रखिएगा संक्रमण तत्वों से बनने वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपतित प्रकाश के एक भाग को, यानी कि एक रंग को जो है अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे हम लोग डी संक्रमण कहते हैं। अवशोषित रंग के पूरक रंग का जो है प्रकाश ही परावर्तित या फिर पारगमित होता है तथा पूरक रंग ही दिखाई देता है। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप लिखेंगे इसमें कि संक्रमण तत्वों से बनने वाले उपसह संयोजक यौगिक रंगीन होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपतित प्रकाश के एक भाग को जो है अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। अवशोषित रंग के पूरक रंग का प्रकाश ही जो है परावर्तित होता है तथा पूरक रंग ही दिखाई देता है, या फिर आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग जो है अवशोषित करके आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे हम लोग डी संक्रमण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि यहाँ पर इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं इस सिद्धांत की। पहला, यह सिद्धांत जो है धातु व लिगेंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की बात करता है, यानी कि यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके अलावा जो लिगेंड है इन दोनों को जो है यहाँ पर ये एक आवेशित बिंदु मानकर, यानी कि धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेशित बिंदु मानकर जो है स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, यह जो है धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, एस व पी कक्षकों की नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है एस व पी कक्षक जो दिए गए हैं क्या इन पर प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है जब लिगेंड इनके संपर्क में आता है, तो यहाँ पर एस और पी कक्षकों की बात नहीं की गई है, इसमें केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात ही की गई है। इसके अलावा तीसरा इसमें है लिगेंड्स के विपाटन की व्याख्या नहीं की गई है, यानी कि जो लिगेंड्स हैं इनके विपाटन की यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसके अलावा यह सिद्धांत जो है वो संकुलों में जो है पाई आबंधों को नहीं समझाता है, यानी कि पाई बंध के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसके अलावा लिगेंड को महत्व नहीं देता है, यानी कि ये सिद्धांत जो है लिगेंड को कोई महत्व नहीं देता है। तो ये जो है यहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक जो है इनका क्या महत्व है। तो इसके मुख्य महत्व जो है निम्नलिखित है, इसमें ध्यान दीजिए आप पहला बता सकते हैं इसका महत्व गुणात्मक विश्लेषण में होता है, यानी कि आप बता सकते हैं इसमें गुणात्मक विश्लेषण में, इसके अलावा आप इसमें दूसरा यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका महत्व जो है उत्प्रेरक के रूप में होता है, आप यहाँ पर बता सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं इसका महत्व जो है वो धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है, तो यहाँ पर आप तीसरा बताएंगे इसमें धातुओं के निष्कर्षण में, इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि इसका महत्व जो है वो यौगिक के संश्लेषण में होता है, यहाँ पर आप बता सकते हैं यौगिक के
संश्लेषण में, संश्लेषण में। और इसके अलावा जो है इसका महत्व जैविक निकायों में भी होता है, तो आप प्रश्न बता सकते हैं जैविक निकायों में, जैविक निकायों में। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो उप सह संयोजक यौगिक हैं इनका महत्व कहाँ कहाँ पर होता है, गुणात्मक विश्लेषण में होता है, इसके अलावा उत्प्रेरक के रूप में होता है, इसके अलावा धातुओं के निष्कर्षण में होता है, यौगिक के संश्लेषण में होता है, और इसके अलावा जो है जैविक निकायों में भी इसका महत्व होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पर स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, यानी कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो आपको लिगेंड के बारे में बताया गया है। तो अगर लिगेंड को जो है हम लोग उनकी बढ़ती हुई जो है क्षेत्र प्रबलता के क्रम में लिख दें, तो क्षेत्र प्रबलता के क्रम में जो है उन्हें व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उसे ही बोला जाता है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग लिगेंड को व्यवस्थित करें तो यहाँ पर जो है बताया गया उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में, यानी कि इनको बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए आई माइनस, इसके बाद अगला लिगेंड यहाँ पर लिख सकते हैं बी आर माइनस, इसके अलावा आप बता सकते हैं एस टू माइनस, इसके अलावा एस सी एन माइनस, इसके अलावा यहाँ पर होगा सी एल माइनस, और बता सकते हैं एफ माइनस ओ एच माइनस, इसके अलावा आप इसमें बताएंगे सी टू ओ फोर टू माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा जो है इसके लगभग बराबर यहाँ पर होता है एच टू ओ, ये जो है इसके लगभग बराबर होता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं एन सी एस माइनस, इसके अलावा ई डी टी ए फोर माइनस, इसके अलावा आप बताएंगे इसमें एन एच थ्री, इसके अलावा ई एन, इसके अलावा एन ओ टू माइनस, इसके अलावा सी एन माइनस और सी ओ। इस प्रकार से यहाँ पर ये लिगेंड जो है इनको जो है यहाँ पर बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर इसकी क्षेत्र प्रबलता कम होगी, इसके बाद बी आर की इससे ज़्यादा होगी, एस की इससे अधिक होगी, इस प्रकार इनको जो है यहाँ पर इनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो श्रेणी प्राप्त हुई है इसी श्रेणी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो वही यहाँ पर आपको इसमें बताया गया था कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि शॉर्ट में इसे लिखते हैं सी एफ एस ई। इसका मतलब यहाँ पर होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर ये सूत्र ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा प्रपोर्शनल टू लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायीकरण ऊर्जा है वो यहाँ पर जो है लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रपोर्शनल लगा है इसका मतलब अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायीकरण ऊर्जा है वो लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती या फिर आप बोल सकते हैं समानुपाती होती है। इसके अलावा बता सकते हैं जो ऊर्जा है वो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि ई प्रपोर्शनल टू है 1/λ। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पर ऊर्जा होगी यानी कि जो स्थायीकरण ऊर्जा है वो तरंग दैर्ध्य लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसके अनुसार भी परिभाषा बता सकते हैं, बाकी अगर आप यहाँ पर इसके अनुसार परिभाषित करेंगे तो ध्यान दीजिए आप इसमें बताएंगे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है, लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा, लिगेंडो की
सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।